दरवाजा लगा दो ना बेटा क्लोज दैट डोर अमर थोड़ा सा फाउंडेशन के बच्चों को सेटल करवाना दरवाजा लगा दो ना बेटा क्लोज दट डोर ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल हाउ वे वन यस्टेडे फाइन रॉकिंग ठीक ठीक था डिफिकल्ट गया सो गुड ग्रेट वंडरफुल चलो सो डे वन सही था मतलब आप समझ दो आने वाली छह महीने की जर्नी भी एकदम सही रहेगी जस्ट कम विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड लाइक यू ऑल डिड येस्टेडे एंड आई एम श्योर यू ऑल विल रियली रॉक दिस जर्नी है ना चलो नया शुरू करने के पहले जो कुछ भी हमने कल किया था दो मिनट में फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे वर्चुअल किड्स हेलो गुड मॉर्निंग गाइज ऑसम चलो क्या बात है यस yes. एक बात बताओ मुझे हम लोग लॉ लो पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं ब्रॉडर क्या है लॉ या एक्ट लॉ में क्या एक्ट आता है एक्ट yes. के साथ साथ रूल्स रूल्स के साथ साथ केस एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज अच्छा एक्ट कहां बनती है और रूल्स कहां बनते हैं अच्छा रूल्स कौन बनाता है हाँ रूलिंग पार्टी दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स आप बताओ मुझे मेंबर्स और हमारे जो मैनेजर्स रहते हैं सेम रहते है या अलग अलग रहते है <laughs> तो ओनर होने के बावजूद क्या आप कंपनी के मैनेजमेंट में मतलब डे टू डे अफेयर्स में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हो बट yeah. आपको क्या लगता है अगर डे टू डे नहीं एटलीस्ट साल भर में कंपनी में हुआ क्या है ये जानने का अधिकार आप लोगों के पास है या नहीं है yeah. तो इसीलिए क्या मेंबर्स की मीटिंग होना जरूरी है एंड दैट इज वाई दीटिंग के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले कल हमने रिलायंस की मीटिंग भी देखी थी आज हम लोग और दो मीटिंग कुछ नोटिस और प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट को हम लेके जाएंगे आगे सुनो ना मेरी बात मीटिंग्स जो होती है मीटिंग मीटिंग मतलब क्या होता है कल आप लोगों ने बताया था जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस सर्टन इश्यूज इज नोन एज अ मीटिंग मीटिंग हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग भी हो सकती है और यह जो मीटिंग है हमारे क्रेडिटर्स की मीटिंग भी हो सकती है सो मीटिंग कुड बी ऑफ एनी टाइप डिपेंडिंग अपॉन मिल कौन रहा है हा या ना देखो एक सिंपल सा चार्ट बुक्स है सबके पास नोटबुक्स है सबके पास yeah. बस तुरंत कूदना है हमको है ना नोटबुक्स yeah. चाहिए आप सब लोगों ने ठीक है सो जस्ट ओपन योर नोटबुक कम टू अ फ्रेश न्यू पेज स्क्रीन पे देखो जरा कम टू अ फ्रेश न्यू पेज कोई चिंदीगिरी नहीं करेगा कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करो हेडिंग लिखिए मीटिंग्स वर्चुअल किड्स आप लोगों को भी लिखना है नो स्क्रीनशॉट्स अलाउड Okay. सुनो ना मेरी बात ये कल हमने जो रिलायंस की मीटिंग देखी थी दैट वॉज द मीटिंग ऑफ आर शेयर होल्डर्स दैट वॉज द मीटिंग ऑफ आर शेयर होल्डर्स आप लोग बताओ मुझे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप जा सकते हो तो से, कुछ लोग थे ना जिन्होंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था क्या आप लोग रिलायंस की बोर्ड मीटिंग में जा सकते हो क्यों नहीं जा सकते हो <laughs> बोलो ना शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना अलाउ क्यों नहीं किया जाता है अग्रीड मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वेरी गुड कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है जो उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कॉन्फिडेंशियल चीजें है वो डिस्कस होती है इन एवरी कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग वहां पे हम शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते एंड दैट इज वाई बोर्ड मीटिंग में हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को अलाव नहीं करते डे टू डे अफेयर्स का डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप सोचो हर डिसीजन के लिए अगर हमने शेयर होल्डर को इन्वॉल्व कर दिया शेयर होल्डर हजारों लाखों होते हैं डिसीजन बाद में होगा ये सभी टाइम पास ही चलते रहेगा तो इसीलिए हमने कहा है स्ट्रेटेजिक डिसीजन डे टू डे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पे हम शेयर होल्डर्स को अलाव नहीं करेंगे बट हां कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेने होते हैं वो लिए जाएंगे बाय आर कंपनी के मेंबर्स जिसके लिए हम लोग शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे तो अब शेयर होल्डर मीटिंग समझ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग भी समझ गया बट वॉट इज दिस क्रेडिटर मीटिंग ये क्या होती है क्यों होती है क्यों कंडक्ट करनी चाहिए ठीक है ना मैनेजमेंट देख लिया ओनरशिप देख लिया क्रेडिटर की मीटिंग क्यों जिन्होंने कंपनी को लोन दिया।, दिया है कि लिया है? दिया, है दिया है क्या इन लोगों की मीटिंग भी कंडक्ट करना जरूरी है क्यों <laughs> हाल ही में कुछ टाइम पहले कुछ महीने पहले आपने एक कंपनी के बारे में सुना होगा अडानी सुना है आप लोगों ने, ने। वो रिपोर्ट आने के बाद यस काफी कुछ चर्चा रही है इस कंपनी के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया ये कंपनी ने कितना लोन लिया है क्या लगता है आप लोगों को बहुत बैंक से लोन लिया है ऐसे मत बोलो हजारों करोड़ <laughs> ये क्या है किसी को कुछ भी आइडिया है ये देखो 2.27 ट्रिलियन 2.27 ट्रिलियन रुपीस का लोन लिया है अडानी ग्रुप में ये कंपनी लोन पे लोन लोन पे लोन लोन पे लोन लेती गई विदाउट इवन थिंकिंग क्या उसकी औकात भी है इस लोन को रिपेयर करने के लिए और ये जो लोन दिया गया है ये सारे बैंकर्स क्या ये कंपनी के क्रेडिटर्स है आप सोचो जब ये रिपोर्ट बाहर आया सबसे पहली बैंड बजी है क्रेडिटर की <laughs> कंपनी के तो बाद में भाई कह दिया ना डायरेक्टली ये कंपनी की औकात ही नहीं है लोन रिपे करने के लिए और इसमें छोटे मोटे प्लेयर तो छोड़ दो बड़े बड़े बैंकर्स ने लोन दिया है जिसमें से सबसे बड़ी बैंक जो है जिसने इस ग्रुप को लोन दिया था वो है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा कुछ नहीं बस सत्ताईस हजार करोड़ का लोन दिया है एसबीआई ने बस ज्यादा कुछ नहीं एसबीआई है बैंक ऑफ बरोडा है हमारी पंजाब नेशनल बैंक सात हजार करोड़ एक्सिस बैंक है इंड बैंक Ind है ये सारी बैंक्स ने क्या किया है इस कंपनी को लोन दिया है और ऐसी कुछ खबर जब मार्केट में आ जाती है तो ऑबीसी बात है सबसे पहले क्रेडिटर्स इसका जवाब मांगेंगे आपको नहीं लगता है क्रेडिटर्स डिमांड करेंगे हमारी भी मीटिंग बुलाओ आप हमें भी बताइए चल क्या रहा है भाई लोन लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाए और अब क्या हो गया आपके सपनों को अरे बताओ मुझे क्या क्रेडिटर्स डिमांड करेंगे या नहीं तो ऐसी जो मीटिंग होती है ऐसी मीटिंग्स को कहा जाता है एज द क्रेडिटर्स मीटिंग तो तब क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा डायरेक्टर्स को सवाल पूछे जाएंगे जवाब मांगे जाएंगे पूछा जाएगा कि आपने क्या सोचा है कैसे आपको रीपे करना है हाउ विल यू गेट द मनी फ्रॉम वॉट आर योर फ्यूचर गोल्स जो आपने सपने बताए थे हमें लोन देते वक्त उसमें से कितना रियलिस्टिक है कितना कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी इन द क्रेडिटर्स मीटिंग तो मीटिंग इज अ वेरी जनरल वर्ड जहां पे हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए चर्चा करने के लिए देन दैट इज अ मीटिंग यही मीटिंग हो सकती है शेयर होल्डर की मीटिंग यही मीटिंग हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और यही हो सकती है हमारे क्रेडिटर्स की मीटिंग जहां तक सीए इंटर की बात है इंटर में यू ओनली हैव वन एस्पेक्ट टू लर्न एंड दैट इज शेयर होल्डर्स मीटिंग ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे सीए फाइनल में इफ एट ऑल आपने लॉ को चुना है और वो सेल्फ असेसमेंट पेस्ड जो मॉड्यूल है उसमें थोड़े बहुत प्रोविजन जो है इस कंपनीज एक्ट के पढ़ाए गए हैं आपका ऑब्जेक्टिव एज अ सी ए इंटर स्टूडेंट इज रिलेटिंग टू ऑल द शेयर होल्डर्स मीटिंग के सेक्शंस मीटिंग कौन बुलाता है कब बुलाता है कब कैरी आउट होती है क्यों कैरी आउट होती है कौन ऑथराइज पर्सन है कैसे कंडक्ट की जाती है क्या कोरम होता है कैसे रेजोल्यूशन पास होते हैं, कैसे वोटिंग किया जाएगा क्या मिनट्स होते हैं टाइम लिमिट क्या है सारी चीजें रिलेटिंग टू द शेयर होल्डर्स मीटिंग इज गोइंग टू बी कैरीड आउट योर योर मीन्स वेर इन सी ए इंटर ओके okay, तो इसी के लिए हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज तो बताओ मीटिंग्स के तीन टाइप्स कौन से कौन से हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड द क्रेडिटर्स मीटिंग अच्छा देखो अब ये शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में जैसे मैंने आपको कल बताया था अगर आपकी दोस्त की शादी है तो वो पत्रिका में चार मेन मुद्दे लिखता है शादी कब है <laughs> अच्छा उस समय पहले शादी किसके साथ है कहा है कब है और कितने बजे है वैसे ही क्यों है तो, इमोशनल हो रहा है बेटा तू इमोशनल हो रहा है क्या करे बेटा अभी शादी ऐसा ही लड्डू है जो खाए तो भी पचता है ना खाए तो भी पचता है चलो अभी आप खुश रहो ठीक है लोड मतलब बाद में तो पचता ही है ठीक है चलो आ जाइए ये सारी बातें बाद में ठीक है अभी नहीं हो सकता है चलो <laughs> हां दस दिन के बाद छह सात दिनों के बाद ओके सो यस जहां तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात है नोटिस सबसे पहले तो देता कौन है देखो जब आपको शादी की पत्रिका मिलती है दोस्त तो ठीक है चलो दोस्त आपको दे देगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट घर वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि घर का जो बड़ा है वो आपको न्योता दे शादी के लिए ऐसे ही कोई भाई छोटा भाई आ गया छोटे भाई ने माँ बाप को बोल दिया दादा दादी को बोल दिया उनको ऐसे रिस्पेक्टेड फील नहीं होता है उनको ऐसे क्या लगता है घर के जो बड़े जो बुजुर्ग है वो जैसे दादा दादी है नाना नानी है या मामा है बड़े पापा है वो न्योता देने चाहिए तो फिर हमें लगता है कि हाँ वी आर रिस्पेक्टेड तो वैसे ही जब शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है आप ही खुद बताओ शेयर होल्डर की मीटिंग है और हमारे ऑफिस बॉय ने आपको बुला लिया कि इस तारीख को इतने बजे हमारी मीटिंग है आ जाना क्या आपको रिस्पेक्टेड लगेगा कौन हो यार आप मालिक हो कंपनी के ओनर हो आप तो एज एन ओनर एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल में जो भी बंदा आ रहा है दैट पर्सन शुड इनवाइट यू शुड कॉल यू फॉर द मीटिंग

बट अब बताओ मुकेश अंबानी फिर उनके जो बच्चे हैं तीनों भी बच्चे हैं बाकी के सारे लोग हैं इन लोगों को किस चीज का नॉलेज है क्या इनको धंधा करने आता है या लॉ समझ में आता है हाँ इनको आता है धंधा करने रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुकेश अंबानी जो है इनके ये तीनों बच्चे हैं इन लोगों को धंधा करने आता है क्या हुआ ये, 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 ये तीनों बच्चे है, इसमें रहे हैं इसमें बराबर इमोशनल हो रहा है आप लोग ईशा आकाश एंड अनंत बट इनके अलावा भी अगर आप देखोगे सुनो ना इनके अलावा मैंने और कुछ नहीं कहा है बड़ा दिमाग लगा रहे हैं इसमें आप लोग ये देखो यहां पे कुछ आपको नजर आ रहा होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यहां पे आपको नजर आ रहा होगा देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीचे भी शायद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही हो गए क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व्हाट इज ऑल दिस देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स मतलब वो होते हैं जो हर रोज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं दे आर वर्किंग फुल टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर ऑल द स्ट्रेटीज ऑफ द कंपनी हर रोज वो आएंगे डिसाइड करेंगे आज डिजनी टेक ओवर करना है आज मलीस्ट टेक ओवर कर रहे हैं तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ये डिसाइड करते हैं इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर आप नीचे यहां पे देखोगे दीज आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है इन्होंने कंपनी uh, में कुछ पैसा डाला है या वो किसी और एंटिटी को रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर और ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर और सम एंटिटी इसको रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक ही काम है ज्ञान देना और, और ज्ञान देना और, और ज्ञान देना क्योंकि आप समझो ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है तो कहेगा ये मत करो इससे हमारा इंटरेस्ट अफेक्ट होगा वो मत करो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना पड़ेगा तो ये बंदे डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहता है बट ये मेक श्योर sure करते कि ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो कंपनी पे इंपैक्ट करे या वो जिनको रिप्रेजेंट करे उनके ऊपर इंपैक्ट आए दिस इज द वर्क ऑफ दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो अब देखो हमारे ये जो डायरेक्टर्स है यही सारे डायरेक्टर्स मतलब मुकेश जी, जी जो है वो आपको बुलाएंगे कि हे शेयर होल्डर आइए इस तारीख को इतने बजे इस जगह हमारी कंपनी की मीटिंग है इनके पास पावर है आप लोगों को बुलाने के लिए फॉर द मीटिंग बट क्योंकि मुकेश जी, जी जो है वो धंधा करना जानते हैं लॉ नहीं जानते हैं वो थोड़ी ना नोटिस बनाएंगे देखेंगे 101 तो में क्या लिखा हुआ है कैसे पॉइंट्स में लिखना रहता है सो बेसिकली व्हाट दे कैन आल्सो डू एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डेलीगेट दिस पावर टू समवन एल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डेलीगेट दिस पावर टू ड्राफ्ट द नोटिस टू समवन एल्स एंड देन दिस एल्स will be the person authorized to draft and dispatch the notice. Usually, ये जो someone else है, is the company की company secretary. क्योंकि company secretary को होता है law में expert knowledge. और इसलिए company secretary क्या करता है? In board of directors के behalf हाँ पे notice बनाता है और इसी notice को करता है dispatch. तो बताओ 101 के हिसाब से किसके पास power है notice बनाने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बट अगर डायरेक्टर्स खुद नोटिस नहीं बनाना चाहते क्या वो अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं yeah. और फिर ये वो पर्सन रहेगा जो ऑथराइज़ रहेगा नोटिस डिस्पैच करने के लिए एक सिंगल डायरेक्टर चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो वो अकेला नोटिस नहीं बना सकता शब्द देखो इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस देंगे तो सारे मिला के देगे. और अगर वो खुद नहीं डिस्पैच करना चाहते सारे मिला के किसी और पर्सन को पावर दे गए और फिर ये पर्सन नोटिस बनाकर डिस्पैच करेगा आ गया ना तीन मार्क के लिए सवाल इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी में ये डायरेक्टर थे और ये डायरेक्टर ने में मेंबर्स की मीटिंग की नोटिस बनाई और मेंबर्स को डिस्पैच कर दी के इंस्टीट्यूट ने पूरी स्टोरी बनाई कोरम आया अच्छे से रेजोल्यूशन पुट अप किए रेजोल्यूशन प्रॉपरली वोटिंग के थ्रू पास भी हो गए मिनट्स भी बना दिया सब कुछ कह दिया और फिर पूछा कि ये मीटिंग जो है क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड है बताओ मुझे एक सिंगल डायरेक्टर के पास क्या मीटिंग बुलाने का पावर है नहीं और अगर ये चीज आप सेटिस्फाई नहीं करते हो लॉ मेकर कहता है पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड आप ये नहीं देखोगे कोरम आया आप ये नहीं देखोगे रेजोल्यूशन प्रॉपरली पास हुए आप ये देखोगे कि आपने ये जो 101 सेक्शन है नोटिस का उसको आपने कंप्लाई नहीं किया है जो क्लियरली कहता था इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर हु हैव द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग सिंगल डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला सकता सिंगल डायरेक्टर मीटिंग अगर मीटिंग बुलानी भी है तो सारे डायरेक्टर्स को एक साथ मीटिंग बुलानी होगी नहीं तो फिर ये मीटिंग वैलिड मीटिंग कंसिडर नहीं की जाएगी बाकी सारी चीजें सही भी क्यों ना हो तो भी मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग कंसिडर नहीं करेंगे ओके इसी मीटिंग में क्या क्या लिखा होता है चार चीजें कौन सी कौन सी चार चीजें बोलो डे डे प्लेस टाइम एंड एजेंडा मीटिंग किस दिन पे है किस जगह पे है कितने बजे है और मीटिंग को हम क्यों कर रहे हैं कंडक्ट देखो एजीएम में एजीएम में एन्युअल जनरल मीटिंग में एन्युअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग दैट इज कंडक्टेड हाउ मेनी टाइम्स इन एन ईयर हर रोज One. हर महीने हर छह महीने एन्युअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग दैट इज कंडक्टेड ओनली वंस इन एवरी ईयर हर साल कंपनी की होती है एजीएम बाकी की मीटिंग्स जैसे जैसे आप चाहो वैसे वैसे आप बुला सकते हो सो so बेसिकली अगर डायरेक्टर्स को लग रहा है मेंबर्स को बुलाना जरूरी है कोई रेजोल्यूशन पास करना है क्योंकि कुछ कुछ डिसीजन लेने का पावर हमारे मेंबर्स के पास भी होता है कुछ कुछ डिसीजन लेने का पावर हमारे मेंबर्स के पास भी होता है तो तब अगर आप इनकी मीटिंग बुलाना चाहते हो तो उसको कहते हैं कल हमने बोला था ईजीएम क्या कहते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या कहते हैं वापस से बताइए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीट इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कंपनी के डायरेक्टर्स जब चाहे मेंबर्स को बुला सकते हैं फॉर द ईजीएम ना भी चाहे तो ना भी बुलाए साल में दस बार चाहे तो दस बार बुला दे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सिचुएशन ऑफ एवरी कंपनी डायरेक्टर्स के हिसाब से ये मीटिंग बुलाई जाएगी बट लॉ के हिसाब से हर साल एक एजीएम तो होना कंपलसरी है और कभी कभार सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एज अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग क्लास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहां पे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं बुलाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का क्लास जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का उन्हीं को बुलाया जाएगा उसको कहते हैं क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग हर एजीएम में हर एक एजीएम में चार चीजें होती है चार चीजें एवरी एजीएम में चार चीजें होती है उसका एक मेमोरी टेक्निक है अड्डा अड्डा जैसे अपने कॉलेज का अड्डा रहता है ना लेक्चर बंक करके हमें पता है कौन सी टपरी में हम लोग चाय पाव वाली बैठ के कुछ नहीं वही सारी छपरी बातें ही करते हैं हम लोग ठीक है स्टूपिड स्टफ बट फिर भी हमें पता है मतलब बेचैन हो जाते हैं हमें हमें मतलब वो बंग करके हमें उधर जाना ही है और हमें गॉसिप करना ही है तो ही दिन हमारा सफल हुआ है नहीं तो नहीं हुआ है सो वाई डू वी कॉल इट अड्डा बिकॉज एवरी ईयर या एवरी डे यू मीट ओवर देर टू डिस्कस द सेम स्टूपिट स्टफ एंड यू कैनॉट लिव विदाउट इट तो वैसी वो बात है हर साल हर साल कंपनी के मेंबर्स को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाया जाता है टू डिस्कस अबाउट फोर थिंग्स क्या डिस्कस करने वाले वो भी पता है चार चीजें और इसलिए हम कहते हैं इसको अड्डा बिकॉज वी आर मीटिंग एवरी ईयर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस टू डिस्कस अबाउट दिस फोर स्टफ ओनली दिस फोर स्टफ इज दिस अड्डा अड्डा क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स

शेयर होल्डर्स की मीटिंग के तीन टाइप्स बनाओ एजीएम, ईजीएम एंड क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग डन एवरी वन इज डन विद राइटिंग पार्ट हाँ, तो मैं क्या नहीं हूं अभी तक इतना ही लिखना था आप लोगों को हर एजीएम में हर एक एजीएम में चार चीजें डिस्कस होना पक्की है एंड दिस इज नोन एज अड्डा वॉट आर दीज फोर थिंग्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डेक्लेन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट दाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखिए आपके स्क्रीन पे हर एजीएम में सुनो ना मेरी बात हर एक एजीएम में चार चीजें तो डिस्कस होने वाली है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर हु इज एन ऑडिटर हा ऑफकोर्स ये ओनली चार्ट अकाउंटेंट कैन डू ऑडिट वर्क सो फील प्राउड अबाउट इट नो बड़ी एल्स कैन डू द ऑडिट वर्क क्योंकि हम ही एक स्पीशी है <laughs> जिसको ऑडिट भी समझता है अकाउंट्स भी समझता है लॉ भी समझता है टैक्स भी समझता है कॉस्टिंग भी समझता है इतना वास्ट नॉलेज इतनी सारे फील्ड्स का एक ही बंदे के पास हो सकता है सीए इसलिए कहते कहते भी नेचुअली मैं अपना नाम भी जब कहती हूँ ना सिर्फ अंकिता नहीं कहती हूँ सीए अंकिता पटनी कोई भी वीडियो आप देख लो होता ही नहीं अपने आप नेचुरली निकलता है जब आप सीए बनोगे आप महसूस कर पाओगे इस बात को जो मेहनत और जो स्ट्रगल है आप लोगों की अभी तो कुछ नहीं है सोचो आप दिन रात स्लॉक करोगे इसके बाद आर्टिकल छिप के लिए दस दस घंटे बारह बारह घंटे घंटा मिलेगा कुछ नहीं <laughs> दो हजार रुपए पूरे महीने काम करने के बाद तब आपको समझ में आएगा संघर्ष इज रियल एंड वाई वी फील प्राउड टू एड दैट सी का टैग इन फ्रंट ऑफ द नेम तो वही वो चीज है ऑडिट का काम एक सी ही कर सकता है इसको हम कहते हैं एज एन ऑडिटर अ सीए इन प्रैक्टिस ओके जो क्या करता है वो शेयर होल्डर्स को बताता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ना ये ट्रू है ये फेयर है कि नहीं है आप इस पर रिलाई कर सकते हो या क्या इसमें कुछ एडवर्स कमेंट्स है क्योंकि देखो शेयर होल्डर का ही पैसा से हमारे डायरेक्टर्स धंधा कर रहे हैं और हमारे शेयर होल्डर्स बेचारे बहुत ही बोले वाले सीधे साधे अब ऐसे केस में एक तो इनको डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है और ऊपर से अगर किसी तीसरे व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहा तो ये तो बस लूट लेंगे सबको तो हमने इसीलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर और यही ऑडिटर क्या करता है ऑडिट का, का काम करता है और फिर शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग बताता है ये बताता है कि ये जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ये डायरेक्टर्स ने ये ट्रू है फेयर है या क्या इसमें कोई एडवर्स कमेंट्स है तो ऑडिटर को भी कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स नहीं बट शेयर होल्डर्स तभी तो फिर ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहेगा ना नहीं तो बस डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स एक हो जाएंगे और लूट लेंगे हमारी जनता को तो हमारे ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का काम किसके हाथों में है शेयर yeah. होल्डर्स के हाथों में है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स सेकेंड इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा यह भी हमने ही चुना है हम मतलब कौन है शेयर होल्डर्स डिविडेंट डिक्लेयर करने का काम भी शेयर होल्डर करते हैं हा हमने तो सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ क्या करते हैं डिविडेंड के रेट को करते हैं रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड के रेट को करते हैं रेकमेंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स तो अब मुकेश जी ने साल भर धंधा किया है और से एक हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाया है अब वो डिसाइड करते हैं एक हजार करोड़ में से कितना हमें डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमको कंपनी में रखेगा फॉर एक्सपेंशन एंड अदर स्टफ हमारे शेयर होल्डर प्रपोज डिविडेंड को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक रिड्यूस्ड रेट को कर सकते हैं एक्सेप्ट बट दे कैन नेवर इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रपोज डिविडेंट डिडेंट इज इवेंचुअली डिक्लेय बाय आर शेयर होल्डर्स सिर्फ प्रपोज किया जाता है बाय आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कौन करता है प्रपोज yeah. कौन करता है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंट एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट टू अकाउंट ऑल दट एंड ऑल इंक्लूडेड इन दर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको कंसिडर करेगे और इनको करेंगे अडोप्ट हर जीएम हर इजीएम ये चार चीजें मतलब अड्डा तो होने ही वाला है अड्डा मतलब क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डलरेशन ऑफ डिविडेंट एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे करके हमारा बनता है अड्डा बट इसके अलावा भी दूसरी चीजें डिस्कस हो सकती है अगर हम मेंबर्स को बुलाई रहे हैं कर लो ना दूसरी चीजें भी डिस्कस जो दूसरी चीजें डिस्कस होती है उसको हम कहते हैं एज अ स्पेशल बिजनेस हर एजीएम में अड्डा तो होने ही वाला है अड्डा अड्डा मतलब वापस से लास्ट टाइम बता दो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल बट अड्डा के अलावा अगर कुछ डिस्कस किया तो उसको हम कहते हैं एज स्पेशल बिजनेस इसको क्या कहते हैं एनीथिंग दैट इज नॉट अड्डा विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल बिजनेस जैसे कि एग्जाम्पल कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है बताओ ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल <laughs> ये कभी तो भी होगा ना कि हर साल कंपनी नाम चेंज करती रहती है <laughs> कभी तो भी होगा ना तो ये बिजनेस ऑर्डनरी या स्पेशल है जैसे अभी तक हमारी क्लासेस का नाम है स्वप्निल पटनीस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हु नोस कल जाके चेंज हो जाए स्वप्निल एंड अंकिता पटनीस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड तो अब बताइए ये जो बिजनेस है क्या ये ऑर्डिनरी है या स्पेशल है कंपनी के लाइफ में कभी तो भी ये इंसिडेंट आया जहां पे आपने कंपनी का नाम किया है चेंज दैट इज अ स्पेशल बिजनेस जिसके लिए मेरे को मेंबर्स का ही अप्रूवल लगता है ठीक है तो मैं सर को कह रही हूं देखो मेंबर्स तो आने ही वाले अड्डा के लिए तो उसके साथ साथ लगे हाथ एसआरबी पास कर लेते हैं नाम चेंज करने के लिए क्यों वापस से दूसरी मीटिंग बुलाए सो so, हो सकता है अगर एजीएम के लिए आप मेंबर्स को बुला ही रहे हो तो आप क्या करो मेंबर्स को बुलाने के साथ साथ स्पेशल बिजनेसेस का भी रेजोल्यूशन आप पास करवा दो अभी एसपीसी इज इनटू द कोचिंग ऑफ सीए स्टूडेंट्स मे बी वी वांट टू इंक्रीज द स्कोप मतलब वी वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम और हम लोग क्या करना चाहते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल स्कूल नहीं, ने देखा हमें वो से फॉर एग्जाम्पल एपीसी पाठशाला खोलना चाहते हैं पाठशाला फर्स्ट टू टेंथ ठीक है तो एपीसी पाठशाला हम खोलना चाहते हैं बट देखो पाठशाला की तो परमिशन है नहीं क्योंकि हमारा स्कोप जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज का यही बताता है कि हम सी स्टूडेंट्स को एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नॉट वन टू टेन के किड्स तो हम क्या करना चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज करना चाहते हैं चेंज क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस तो अब हम कह रहे हैं मेंबर्स को बुला ही रहे हैं अड्डा होने ही वाला है और अब अगर मेंबर्स एजीएम के लिए आ ही रहे वाई नॉट टू पास द रेजोल्यूशन टू ऑल्सो चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉस तो एजीएम में अड्डा के अलावा भी दूसरे बिजनेसेस हो सकते हैं बट उनको हम क्या कहेंगे स्पेशल बिजनेस अड्डा तो होने वाला है अड्डा इज ऑर्डिनरी बिजनेस बट अड्डा के अलावा अगर कुछ बिजनेस हुआ है देन दैट बिजनेस विल बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल बिजनेस तो बताओ चार चीजें ऑर्डिनरी बिजनेसेस की कौन सी कौन सी है अड्डा मत बोलो पूरा बोलो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ डिविड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मीटिंग की नोटिस में चार चीजें लिखी होती कौन सी कौन सी चार चीजें डे प्लेस टाइम एंड एजेंडा मैम ये तो सारी चीजें आप जो बता रहे हो वो थ्योरी है क्या प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कौन सी नोटिस है एक मिनट रुको। ये जो आप पढ़ रहे हो ये बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है इट इज मोर प्रैक्टिकल और आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे एक ही मिनट देना यहां पे हो गया शायद कनेक्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एजीएम की नोटिस है ओके okay. देखते इसको जरा ये देखो देखते जो हमने पढ़ा है ये 101 और ये जो अड्डा और स्पेशल है ना वो 102 है क्या ये सच में फॉलो होता है या क्या हम सिर्फ बुक्स के लिए पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं देखते हैं चलो नोटिस इज योर दैट गिवेन दिक्कत एजीएम ऑफ द मेंबर्स एजीएम किसकी होती है डायरेक्टर्स की क्रेडिटर्स की या मेंबर्स की yes. क्या यहां पे क्लियरली लिखा हुआ इट इज अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे ऑगस्ट थर्टी क्या ये डे के बारे में बताया है एट इलेवन ए एम क्या ये टाइम है ये देखो ये डे है क्या ये टाइम है एट वाई बी चौहान ऑडिटोरियम क्या ये प्लेस है टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस मतलब ये सारे बिजनेसेस क्या हमारे मीटिंग का एजेंडा है क्या एजेंडा मतलब पर्पज देखो इसी पर्पस को क्या हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ऑर्डनरी एंड स्पेशल क्या यही हमने पढ़ा है अभी जो आप देख रहे हो दिस इज द रियल एजीएम की नोटिस ऑफ एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम यही जो हमने 101 और 102 में देखा है वही आप यहां पर देख रहे हो इन द नोटिस ऑल्सो देखो क्या क्या है ऑर्डनरी बिजनेस देखते हैं टू कंसिडर एंड अडॉप्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ये ए है जो हमने देखा था मेरे वाले इसमें इट वॉज अ लास्ट पॉइंट टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना टू डिक्लेयर डिविडेंड टू डिक्लेयर डिविडेंड क्या यह डी है टू अपॉइंट द डायरेक्टर क्या ये भी डी है और यहाँ पे और एक पॉइंटेड टू अपॉइंट वन मोर डायरेक्टर पर ठीक है अपने लिए तो पॉइंट्स के हिसाब से इट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर यहां पे ऑडिटर का पॉइंट नहीं है क्योंकि ऑडिटर का टर्म जो होता है ना इट इज फाइव इयर्स हाँ तो पांच सालों के बाद वो अपॉइंट होता है तो मे बी वी आर बिटवीन दैट वन टू फाइव ईयर्स की रेंज ऑडिटर हर साल अपॉइंट नहीं होता है अगर आप किसी ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुए हो कोई कंपनी में यू हैव अ टेन ऑफ फाइव इन तो अगर पांच साल के लिए ही आप अपॉइंट हुआ हर साल थोड़ी ना आपका अपॉइंटमेंट होते जाएगा पांच साल की मीटिंग के बाद मीटिंग में यस yes, फिर ऑडिटर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी होगा यहां पे इज ऑलरेडी अपॉइंटेड उसका टर्म खत्म नहीं हुआ है इसलिए वो ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं आया है बट अगर ऑडिटर का टर्म खत्म हो चुका है तो यहां पे क्या हमारे पास हमारा ए भी आ जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो देखो डे दे, प्लेस आवर एंड एजेंडा अड्डा तो होने वाला है अड्डा के साथ साथ कुछ स्पेशल बिजनेसेस भी यहां पे कैरी आउट किए जाने वाले हैं ये सारे बिजनेसेस जो है ये स्पेशल बिजनेस है बोरोइंग ऑफ फंड्स ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड करोज थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स आप ही बताओ डिवेंचर्स का इशू ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस क्या यह अड्डा है तो क्या ये स्पेशल बिजनेस स्पेशल बिजनेस भी क्या हमने पास मतलब कैरी आउट किया है इन द एजीएम यस अगर को बुला ही रहे हो तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन भी पास करवा ही सकते हो ये सारी चीजें देखो यहाँ पर है बट अब मेरे को आपको बताना यहाँ पे साइन किसने किया है आ, ये देखो जरा जो हम पढ़ा रहे हैं वही आप देख रहे हो प्रैक्टिकली इट इज साइंड बाय The company secretary, but ये देखो very 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 important by the order of the board board को board of directors को या directors को interchangeable terms है कोई भी term का आप इस्तेमाल कर सकते हो नोड प्रॉब्लम तो यहाँ पर primary authority notice देने की हमने किसको दी है board of directors को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं तब ये जो कोई और है वो क्या कर सकता है नोटिस बना सकता है इस केस में एचपी के डायरेक्टर्स ने कंपनी सेक्रेटरी को पावर दिया है और इसलिए कंपनी सेक्रेटरी ने बनाई है ये नोटिस सिर्फ इतना ही देख लो ये नोटिस कब बनाई है थर्टी <coughs> जुलाई और मुझे सिर्फ आपको ये बताना है क्योंकि अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि मीटिंग कब है बोलो ना थर्टी अगस्त तो को मीटिंग है बराबर ना? और नोटिस बनाई कब है सो महीने लगभग एक महीने लग पहले हमने नोटिस बनाई है और डिस्पैच की है और मीटिंग उसके एक महीने बाद है क्योंकि अगला ही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ अ नोटिस ऐसा नहीं हो सकता आज नोटिस डिस्पैच की और कल तुरंत मीटिंग है हर एक मीटिंग जो है उसकी लेंथ कम से कम होनी चाहिए ट्वेंटी वन डेज की एंड दैट इज नॉट ओनली ट्वेंटी वन डेज इट इज ट्वेंटी वन क्लियर डेज ट्वेंटी वन क्लियर डेज मतलब क्या ट्वेंटी वन ऐसे दिन जहां पे आपको पूरा पूरा दिन मिल रहा है पूरे चौबीस घंटे ट्वेंटी फोर आवर्स पूरे मिले तो ही माना जाएगा दैट डे इज अ क्लियर डे तो ऐसे ट्वेंटी वन डेज होने चाहिए तो ही माना जाएगा कि आपकी नोटिस की लेंथ इज एन एडिक्वेट लेंथ वो अगला टॉपिक है बट पहले जितना किया है एक बार उसको लिखते हैं आपका वो जो चार्ट है ना मीटिंग्स वाला चार्ट जहां पे आपने लिखा है शेयर होल्डर मीटिंग डायरेक्टर मीटिंग क्रेडिटर मीटिंग शेयर होल्डर के और तीन बच्चे हैं एजीएम ईजीएम एंड क्लास ऑफ शेयर होल्डर उसके नीचे जगह होगी आप लोगों के पास तो आप क्या करो एजीएम को एरो बना के <coughs> वहां पे लिख लो ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस ये ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस सिर्फ एजीएम के लिए ही होता है आई जस्ट हा स्विच द स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी एजीएम को एरो करते हुए लिखो एजीएम को और फिर लिखो ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस लिखा बेटा आप लोगों ने कुछ डाउट है आपको इतना लिख लिया आप लोगों ने यस yes. अब इसके बाद क्या होने वाला है? मैं आपको बता देती हूं सुनो आने वाले अगले कुछ से 12 से 15 सेक्शंस हैं 12 टू 15 और ये 12 टू 15 सेक्शंस के लिए हमने बनाया है एक पापा चार्ट एक मास्टर चार्ट जिसमें ये सारे के सारे 12 से 13 सेक्शंस कवर हो जाएंगे थ्रू वन चार्ट और हम एक फ्लो में जाएंगे ये सारे सेक्शंस मीटिंग से ही रिलेटेड है तो प्रैक्टिकली भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रैक्टिकली चीजें होती है कैसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है और थ्योरी तो हम देख ही रहे तो सारी चीजें एक साथ जब लिंक करके आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल मजा आपको आएगा तो इसके लिए मेरे को क्या करेगा क्या लगेगा मैं आपको बताती हूँ आपके नोटबुक्स के डबल शीट ऑफ पेपर्स लगेंगे। एक बता तो किसी की नोटबुक हाँ आपकी भी नोटबुक बताता हूं मुझे तो आप लोगों को आना होगा ऑन अ डबल शीट ऑफ पेपर ठीक है तो जैसे अब इसका तो कोई दिक्कत नहीं है इसका तो पेज जो है यहीं पर कंप्लीट हुआ सो इज स्टार्टिंग ऑन अ फ्रेश न्यू पेज बट सपोज अगर आप की बुक ऐसी कुछ है जहां पे क्या हुआ आपने इस पेज पे ये कंटेंट लिखा था और ये पेज ब्लैंक है इट इज ओके कीप दिस पेज ब्लैंक मैं बाद में फिल अप करा दूंगी कंटेंट वो एक पेज के लिए दुखी मत होना ठीक है यहां पे आप आ जाना ऑन अ डबल शीट ऑफ पेपर और आज से आने वाले तीन चार दिनों में आपके 12 से 15 सेक्शन होने वाले ऑल रिलेटेड टू मीटिंग्स और सब कुछ कवर हो जाएगा थ्रू दीज शॉट्स तो हमारी समरी भी बन जाएगी चार्ट की वजह से एक ग्लांस पे आपके सारे सेक्शंस आपके आंखों के सामने हो गए राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझते से, समझते से हम लिखना चालू करेंगे और ऐसा ही अप्रोच आपका होने वाला है सारे के सारे चैप्टर्स के लिए सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट है ना तो आ जाइए आपके नोटबुक्स में मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ आपको कितना कुछ कंटेंट लिखना है मेरे पास तो चार्ट रेडी है बट मैं तो आप लोगों से लिखवाना चाहती हूँ एजीएम का तो सेक्शन एक्चुअली 96 सिक्स है एजीएम का बट अभी वो हुआ नहीं अभी तो हम मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो रुक जाओ आप थोड़ा सा ये देखो मैं बताती हूं आपको ऐसा कुछ चार्ट है जो आप आपके नोटबुक्स में बनाने वाले हो ऑल दी सेक्शन आर रिलेटिंग टू मीटिंग्स ऐसे देखो मत नजर लग जाएगी <laughs> ये चार्ट आप खुद बनाने वाले हो इन योर नोटबुक्स नहीं नहीं चार्ट बुक में रेडीमेड देना होता तो फिर क्यों बनवाते आप लोगों से नहीं नहीं ये आप क्या करोगे मैं आपको बताते हुए आज जैसे हम लोग ये पूरा का पूरा फर्स्ट सी कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉपरली कन्वेड कल से हम लोग करेंगे लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कल परसों में और उसके अगले दो दिन प्रॉपरली कंडक्टेड और उसके बहुत सारे सेक्शंस अंदर 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 अगर आप देख रहे हो है बारह से पंद्रह सेक्शंस आपके ये पूरे मीटिंग्स के चार्ट में हो जाते हैं देखो कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर थ्री द मीटिंग शेल बी प्रॉपरली कन्वेड द मीटिंग शेल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द मीटिंग शेल बी प्रॉपरली कंडक्टेड उसमें से फर्स्ट सी जो है उसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं दैट द मीटिंग शेल बी प्रॉपरली कन्वेड ओके और उसी के लिए मैं आपको कह रही थी कम टू अ डबल शीट ऑफ पेपर आई विल राइट इट डाउन विथ यू सो यू नीड नॉट वरी सब कुछ साथ साथ में ही सिखाया जाएगा और साथ साथ में ही हम लिखते चलेंगे इनफैक्ट आज जब ये दो सेक्शंस हो जाएंगे 101 और 102 आज हो जाएगा और हमारा प्रॉपरली कन्वेड का हिस्सा हो जाएगा हम क्या करेंगे हम रैंडमली आईसीआई के पेपर्स उठाएंगे और देखेंगे इन सेक्शंस के ऊपर क्या इंस्टीट्यूट ने कोई सवाल पूछे और क्या आप उस पोजीशन में हो क्लास के दूसरे ही दिन कि आप इन सवालों का जवाब दे पा रहे हो लेट्स बी माय टेस्ट से दो दिनों में आपको पढ़ा पाई हूं या नहीं देखते हैं मेरी इज्जत संभाल लेना बेटा <laughs> आपके हाथों में आ जाइए आ गई डबल शीट ऑफ पेपर पे यस yes. तो आप सबसे पहले तो हेडिंग दीजिए रेक्वेज ऑफ अ वैलिड मीटिंग रिक्वेस्ट इट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग ये डबल शीट ऑफ पेपर में लिख रहा आपके नोटबुक में रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग मतलब आपको ऐसे दो डबल शीट ऑफ पेपर फिर दो डबल शीट ऑफ पेपर फिर दो डबल शीट ऑफ पेपर लगेंगे, तीनों भी सीस के लिए समझा कर लो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली छोड़ा आप दिमाग मत लगाओ जितना मैं बोल रही हूं ना उतना ही फॉलो करो ठीक है छोटे छोटे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों इस फर्स्ट पेज पे मतलब इस डबल शीट ऑफ पेपर पे माला वा खिड़की खोल रहे मैं ही कुछ जाती हूं देखो <laughs> हो, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल का कंफ्यूजन है क्या सीए कर रहे हो तुम लोग बेटा देखो हॉरिज़ॉन्टल हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल क्या पढ़ा रही हूं मैं क्या पढ़ा रही हूँ बुक ऐसे ही रखनी बेटा ऐसे ही <laughs> जैसी है वैसी ही ठीक है आपने यहां पे हेडिंग दे दिया रिक्वेज ऑफ अ वैलिड मीटिंग अब यहां पे बीच में अब उसका सब हेडिंग दो विच इज द फर्स्ट सी द मीटिंग शेल बी प्रॉपरली कन्वेड उसी के नीचे ये आपने दिया रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग उसी के नीचे मतलब इधर ही आपको देना पड़ेगा फर्स्ट सी का हेडिंग विच इज प्रॉपरली कन्वेड हां मैं भी लिखी रही हूं बेटा आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ये जो आपने सवाल पूछा है ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं इतना लिख लिया तो अब इसके पॉइंट लिखना चालू करें हम पहली बात तो बताओ मुझे आप लोग ही जवाब दो कमान हु इज द प्रॉपर to टू कॉल मीटिंग बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हो डायरेक्टर्स बोल सकते हो बोर्ड भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ऑल टर्म्स आर इंटरचेंजेबल टर्म्स बट सिंगल डायरेक्टर के पास क्या पावर है सारे डायरेक्टर्स के पास मिला के ये पावर है बट अगर डायरेक्टर्स चाहे कि अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं तब ये जो पर्सन है, वो ऑथराइज़ रहेगा मीटिंग बुलाने के लिए जैसे एचपी के केस में हमने देखा था, डायरेक्टर्स ने किसको पावर डेलीगेट किया कंपनी सेक्रेटरी तब कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग नोटिस बनाएगा और साइन करके डायरेक्टर्स के भी आप पे मेंबर्स को डिस्पैच करेगा तो आप पहला पॉइंटर लिख दीजिए यहां पे प्रॉपर ऑथोरिटी प्रॉपर ऑथॉरिटी क्या लिखोगे प्रॉपर ऑथरिटी किसके पास पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पॉइंट वन दीजिए The Board of Directors. The Board of Directors have the power to call for a meeting, to call for a मीटिंग उसी में आप ऐड करो दस अ सिंगल डायरेक्टर दस अ सिंगल डायरेक्टर सिंगल डायरेक्टर मतलब अकेला डायरेक्टर विल हैव नो पावर विल हैव नो पावर टू कॉल फॉर फॉर अ मीटिंग मीटिंग बुलाने का पावर सिंगल डायरेक्टर के पास नहीं है बट बताओ अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं yes. अमर क्लास में घूम ना सब बच्चे लिख रहे हैं नहीं बता मुझे टू कॉल फॉर अ मीटिंग लिखो इफ द डायरेक्टर्स विश टू पीछे के बेंचेस पे देखिए यहां पे आ गया के बच्चे तो समझ में आ रहा है इफ द डायरेक्टर्स विश टू

And then that person shall be authorized, and then that person shall be authorized to call. मीटिंग टू कॉल द मीटिंग सेकेंड बताओ कंटेंट ऑफ द नोटिस कंटेंट क्या क्या होता है कंटेंट डे प्लेस टाइम एजेंडा हा तो नेक्स्ट आप पॉइंटर लिखिए आपके पास आई थिंक ज्यादा स्पेस नहीं होगी आप क्या करो इधर ही लिखो आप इतना आपने लिख लिया ना उसके नीचे आपके पास जगह होगी होगी ना जगह तो वहां पे आप क्या करो एक लाइन छोड़ के आप सेकेंड पॉइंटर लिखो कंटेंट ऑफ नोटिस जैसे ये हेडिंग था ना प्रॉपर ऑथोरिटी वैसे अगला हेडिंग है कंटेंट कंटेंट मतलब किससे कंप्राइज होता है क्या लिखोगे आप कंटेंट ऑफ नोटिस हाँ कर सकते हो ए बी कैटेगराइज कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम सो दिस इज बेसिकली हम अगर इसको ए लिख रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट इसको हम बी लिखेंगे या तो आप रोमन नंबर्स यूज कर सकते हो मैंने तो कलर ही चेंज कर दिया है आपके पास अगर है दूसरे कलर की पेन्स कैन यूज कलर्स ऑल्सो कंटेंट ऑफ नोटिस चार पॉइंट्स आएंगे इसमें चार बाजू में भी लिख सकते हो बेटा बट बाजू में और पांच पॉइंट है तो कितना एक्सटेंड करोगे अभी वो पेज तो उतना ही है ना इसलिए स्पेस को यूज करते हुए मैंने इधर लिखा है भरोसा रखो बेटा डे <laughs> <laughs> प्लेस टाइम एंड एजेंडा डे प्लेस टाइम एंड एजेंडा ये नोटिस किसको किसको दी जाती है Each and every मेंबर ऑफ द कंपनी ईच एंड एवरी आपके पास चाहे एक शेयर है या सौ फर्क नहीं पड़ता एवरी मेंबर इज गोइंग टू गेट द नोटिस इनफैक्ट मेंबर की अगर डेथ भी हो गई तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन हो गया तो ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल असाइनी मतलब लिक्विडेटर उसको नोटिस मिलेगी बट इन लोगों के अलावा आपको पता है, सारे के सारे डायरेक्टर्स और ऑडिटर को भी नोटिस जाती है डायरेक्टर और ऑडिटर्स को भी नोटिस जाती है ऑडिटर को क्यों नोटिस जानी चाहिए एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है मीटिंग में और क्या बातें बोल रहे हैं हमारे डायरेक्टर्स उसी को तो मद्देनजर रखते हुए समझ में आएगा ना ये जो बोल रहे हैं और कर रहे हैं सिंक में है भी या बस बोलने के लिए बोल दिया और करने के लिए कुछ नहीं किया इसलिए ऑडिटर और डायरेक्टर्स तो डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं कल जाके किसी मेंबर का कुछ क्वेश्चन है कुछ सवाल है तो इसका जवाब तो कौन देगा डायरेक्टर्स ही देंगे कल अगर आपने वो आ, मीटिंग देखी थी जो सर ने प्ले किया था पता है आपको एजीएम रिलायंस की आ, उसमें आपने देखा होगा नीचे जो चेस पे बैठे थे वो सारे के सारे थे कंपनी के मेंबर्स हा मतलब शेयर होल्डर्स बट उसके अलावा ऑन दैट स्टेज ऑक्सफोर्ड देना ऑन दैट स्टेज देर वर समीपल हुर सिटिंग यस दे वर द ऑडिटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ये जो कल सर ने वीडियो बताया था मैं ज्यादा नहीं प्ले करूंगी उतना ही सीन बताऊंगी आपको इन द गोल्डन डीकेट ऑफ रिलायंस एज रेट दिस इज द एजीएम ऑफ रिलायंस ऐसे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एजीएम अवेलेबल नहीं होगी गूगल पे यूट्यूब पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता है एसपीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था नहीं पता चलेगा क्यों नहीं पता चलेगा बिकॉज वट एवर हैज बीन डिस्कस इज वेरी सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो बट हां शेयर होल्डर की मीटिंग में ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल डिस्कस नहीं होता है तो आप कोई बहुत सारे कंपनी की आपको एजीएम जो है अवेलेबल हो जाएगी यू कैन चेक इट ऑन योर ओन यो देखो मेरे को आपको बताना है इन द गोल्डन डीकेड ऑफ रिलायंस आई एम प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट इट वॉज येट अनदर ईयर ऑफ रोबस्ट एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस लास्ट ईयर रिलायंस बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बोथ पब्बलिक the the हा okay. <laughs> आप देखिए यहाँ पे इस स्टेज पे यहाँ पे ये से ये नीता अंबानी है आई थिंक सो बिकॉज लास्ट ईयर तक शी वॉज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी राइट नाउ शी रिजाइंड एंड उसके तीनों बच्चे जो है दे आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड एज द डायरेक्टर्स इन द कंपनी बट देखो यहाँ पे सारे के सारे हमारे डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ साथ ऑडिटर भी बैठे और ये नीचे जो चेस पे बैठे हुए हैं आर द शेयर होल्डर्स वी आर दी ओनली डाइवर्सिफाइड मल्टीसेक्टर इंडियन एंटरप्राइज आप सुनो क्या बोलते हैं थ्री मेजर ग्रोथ इंजिन इन वन सिंगल कॉपोरेट एंटी Our oil to chemicals division, GEO, and Retail. All three have done exceedingly well in the past year. We are also incubating new growth engines within Reliance. Skeptics used to say that Reliance cannot succeed in a consumer business. GEO and Reliance Retail have proved them wrong. These two consumer businesses had been separately ठीक है जो भी है आपको यहां पे दिख रहा है यहां पर हमारे कंपनी के मेंबर्स है डायरेक्टर्स है और कंपनी के हमारे ऑडिटर्स भी है इन सभी लोगों को जाती है मीटिंग की नोटिस किन किन लोगों को ईच एंड एवरी मेंबर मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर अगर इनसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल अजाइनी साथ ही साथ ऑडिटर एंड साथ ही साथ डायरेक्टर सभी लोगों को जाती है हमारी मीटिंग की नोटिस आज के जमाने में तो यूजुअली हम लोग फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करते भी नहीं है आफ्टर ऑल द कोविड टाइम्स नाउ इफ यू वांट टू यू कैन कंडक्ट द मीटिंग्स थ्रू द वर्चुअल मोड आल्सो तो वर्चुअल मोड से भी मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट हो सकती है कोई लोड नहीं फिर घर पे बैठे बैठे आराम से आप मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हो यू नीड नॉट ट्रैवल एनी बॉम्बे मत जाओ बैंगलोर मत जाओ दिल्ली मत जाओ कहीं मत जाओ घर पे बैठे बैठे योर स्पेस योर कन्वीनियंस यू कैन अटेंड दीज मीटिंग्स तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आपके चार्ट में साइड में लिख दो अभी आप अभी रहने दो नेक्स्ट साइड में लिखो आप नोटिस टू हुम नोटिस टू हुम मतलब ये नोटिस आप किन किन लोगों को दे रहे हो सो आई एम राइटिंग इट योर नोटिस टू हुम नोटिस टू होम इन शॉर्ट ये नोटिस किन किन लोगों को दिया जाने वाला है फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर शेयर होल्डर मत कहो मेंबर को देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर शेयर होल्डर एंड मेंबर बट अभी मैं नहीं बताना चाहती हूं थोड़े दिन बाद आपको बताऊंगी अभी के लिए आप सिर्फ लिख लो ईच एंड एवरी मेंबर ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी मेंबर बताओ मेंबर की अगर डेथ हो गई है तो कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो सेकेंड पॉइंट लिखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड मेंबर मतलब जिसकी डेथ हो गई है मेंबर अगर इनसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी ऑफिशियल असाइनी आप लेमैन वर्ड्स में उसको कहते हो लिक्विडेटर सुना है ना आपने लिक्विडेटर लीगल टर्म्स में उसको कहते हैं ऑफिशियल असाइनी कभी कभार कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर ठीक है official तो ऑफिशियल असाइनी ऑफ इनसॉल्वेंट मेंबर ऑडिटर एज वेल एज डायरेक्टर्स इन सभी लोगों को जाती है नोटिस इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट उसी को मिलेगी फिर यहां पे हमने कहा है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना लिख लिया आप लोगों ने ये जो नोटिस है ना नोटिस इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वॉट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ दिस नोटिस यहां पे नीचे आप और एक लिखने वाले हो ओमिशन लेंथ के लिए मेरे को पूरा स्पेस लगने वाला है नीचे तक एकदम नीचे तक ठीक है इसलिए मैंने यहां पे शिफ्ट किया उसको अभी आप कुछ मत लिखो अभी आप सिर्फ सुनो जो मैं कह रही हूं सुनो सुनो आज आपने नोटिस डिस्पैच कर ली और कल आप मीटिंग नहीं रख सकते अगर आपको मीटिंग रखनी भी है आपको कम से कम 21 डेज का जो है समय वो अपने मेंबर्स को देना पड़ेगा टू थिंक कि क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या क्या वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हर एक मीटिंग की जो नोटिस होती है उसका लेंथ होना चाहिए ट्वेंटी वन क्लियर डेज व्हाट एम आई सेइंग वन क्लियर डेज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्लियर डेज जब मैं कहती हूं ट्वेंटी वन क्लियर डेज मतलब हर दिन का सारे के सारे ट्वेंटी फोर आवर्स जो है वो मुझे चाहिए पूरे 24 फोर आवर्स मिलते हैं तो ही माना जाएगा दैट इज अ क्लियर डे देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज अ क्लियर डे डोंट राइट डाउन एनीथिंग मैं सब कुछ लिखवाऊंगी पहले आप समझ लो सो बेसिकली द लेंथ ऑफ अ नोटिस इज 21 वन डेज बट ट्वेंटी वन डेज में मेरे को पूरे चौबीस घंटे चाहिए एंड दैट इज वाई ये जब आप 21 डेज गिनते हो ना आप डे ऑफ डिस्पैच कंसिडर नहीं करते सपोज आज सुबह के 11 बजे मैंने नोटिस डिस्पैच की क्या आज के मेरे को 24 फोर आवर्स मिले हैं मिले हैं क्या वैसे ही मेरी जो डे ऑफ मीटिंग है वो भी मैं कंसिडर नहीं करती मीटिंग सपोज दोपहर की दो बजे है तो को तो दो बजे तक का ही टाइम मिला है सोचने के लिए कि मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं इसलिए वो भी क्लियर डे नहीं है और अलोंग विद दैट लॉ मेकर कहते हैं टू डेज टू डेज मतलब फोर्टी एट आवर्स ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मतलब क्या मेरी डिस्पैच करने में और आप तक पहुंचने में क्या कुछ समय लगेगा तब ऐसे केस में दिस इज द ट्रैवल टाइम उसके लिए हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया और कहा है दो दिन हम अज्यूम करते हैं कि आपको लगेगा समय डिस्पैच करने में और नोटिस मिलने में दिस इज अजम्पन हो सकता है मुंबई से अगर नोटिस डिस्पैच की है पुणे पहुंचने को पाँच घंटे ही लगे दिल्ली पहुंचने को दो दिन लगेंगे कश्मीर पहुंचने को हफ्ता भर लगेगा हर केस में अलग अलग होगा क्योंकि मेंबर क्या एक ही जगह में रहता है या पूरे इंडिया में फैला हुआ है बट हम हर मेंबर के लिए थोड़ी ना देख सकते हो आप कहां से आए हो तुम कहां से आए हो तुम कहां से आए हो आप कहां से आए हो हर किसी को हम पूछ से बैठेगे क्या नहीं इसमें तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा तो इसलिए हमने कहा है हम इस चीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ऐसा मानेगे अज्यूम करेंगे प्रिज्यूम करेंगे मेंबर को दो दिन लग रहे हैं नोटिस मिलने के लिए रियलिटी में आपको अगले ही दिन मिल सकती है या सात दिन बाद भी मिल सकती है बट हम रियलिटी पे नहीं जाएंगे वी विल लुक एट द दजम्पशन और ऐसा मानेंगे हर केस में यू हैव टेकन टू डेज फॉर द नोटिस टू रीच एट द मेंबर्स हाउस इसलिए वो दो दिन जब आपको नोटिस मिली नहीं है आप क्या ही सोचोगे सोचना तो तब से चालू करोगे ना जब से नोटिस मिली है आपने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था उसका फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफर कब कम्युनिकेट होता है जब ऑफर ही को पता चलता है ऑफर के बारे में उसके बाद ही वो सोचेगा ना ऑफर एक्सेप्ट करना है या ऑफर रिजेक्ट करना है सही या गलत तब ऐसे केस में यहां पे भी मेंबर तो सोचना तब से चालू करेगा ना जब से उसको पता चला कि मीटिंग है इसलिए इन डेज को भी हम 21 क्लियर डेज की गिनती में नहीं गिनते हैं टू डेज फॉर ट्रांसमिशन बट दिस ट्रांसमिशन इज थ्रू पोस्ट अगर आपने ईमेल के द्वारा नोटिस भेजी है कल सर ने वो ईमेल खोल के बताया था आपको ईमेल के द्वारा अगर नोटिस भेजी है तो यहां पे क्लिक किया और मेंबर को वहां पर नोटिस मिल गया उसमें तो ट्रांसमिशन टाइम एक सेकंड है अरे हा है ना तब आप इसको एक्सक्लूड नहीं करोगे तब आप सिर्फ डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ मीटिंग को ही एक्सक्लूड करोगे क्योंकि जो दिन ऑफ डिस्पैच है वो तो आपने वैसे भी एक्सक्लूड कर ही दिया है बराबर ना ये कब की बात है जब आप ई के द्वारा नोटिस को भेज रहे हो बट अगर आपने पोस्ट के द्वारा नोटिस को भेजा है तो आप और दो दिन भी करने वाले हो एक्सक्लूड रुको मैं टाइमलाइन से आपको समझाती हूं क्योंकि उससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है दिस इज थियोरी आप टाइमलाइन पढ़ो मैं दस मिनट ही और पढ़ाने वाली हूं तो अगर कुछ डाउट आ भी रहा है बहुत जोर से आ रहा है बहुत जोर से उसको उधर ही रोक लो हो जाएगा सब कुछ क्लियर डोंट वरी जस्ट लेट मी फिनिश दिस टॉपिक दैट्स इट ये देखो यहां पे क्या हुआ है सर मार्च मार्च एंड में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हम बुक्स वुक्स बनाते हैं ऑडिट वॉडिट करते हैं सब कुछ होता है ठीक है तो रफली मीटिंग्स जो होती है ना अगस्त सितंबर में ही होती है अज्यूम करते हैं हमने क्या किया फर्स्ट ऑगस्ट को फर्स्ट ऑगस्ट को हमने नोटिस को डिस्पैच किया है सो दिस इज द डे ऑफ डिस्पैच डिस्पैचिंग वॉट नोटिस सपोज ग्यारह बजे सुबह हमने नोटिस डिस्पैच किया है क्या इस दिन के ट्वेंटी फोर आवर्स मिले हैं नहीं मिले और डिस्पैच किया है बाय पोस्ट तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं कि दो दिन ट्रांसमिशन के डेज है कौन से कौन से दो दिन ट्रांसमिशन के सेकेंड ऑगस्ट एंड थर्ड ऑगस्ट इसको क्या हो गया दीज आर दू डेज ऑफ ट्रांसमिशन कौन से कौन से टू डेज है ट्रांसमिशन के सेकेंड ऑगस्ट एंड थर्ड ऑगस्ट तो हमारे ट्वेंटी वन क्लियर डेज की गिनती कहां से शुरू होगी फोर्थ ऑगस्ट से फोर्थ ऑगस्ट से हमारी ट्वेंटी वन क्लियर डेज की गिनती चालू होगी आप लोग गिनोगे मेरे साथ ट्वेंटी वन डेज चलो ट्राई करते हैं चलो फोर्थ ऑगस्ट पूरा ट्वेंटी फोर आवर्स मिला है क्या फोर्थ ऑगस्ट का फोर्थ ऑगस्ट फिर फिफ्थ सिक्स एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ऐसा ही ना? Yeah. आया ना आया नहीं आया ये ट्वेंटी वन डेज हुए तो मेरे ये जो ट्वेंटी वन डेज है ट्वेंटी वन डेज क्या 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 बराबर किया है मैंने मेरे ट्वेंटी वन डेज हो रहे इस पैच में फोर्थ ऑगस्ट इंक्लूसिव एंड ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट इंक्लूसिव ट्वेंटी वन डेज हो रहे हैं मेरे ये मेरे है ट्वेंटी वन क्लियर डेज तो अगर मैं फर्स्ट ऑगस्ट को नोटिस डिस्पैच करती हूं मैं अगर मीटिंग लेना चाहती हूं अर्लिएस्ट से अर्स्ट अर्लिएस्ट से अर्लिएस्ट आई कैन टेक द मीटिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट इसके पहले मैं मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकती दिस वुड बी द अर्लिएस्ट डे ऑन विच आई कैन कंडक्ट द मीटिंग क्योंकि इसी दिन पे मे को मेरे ट्वेंटी वन क्लियर डेज मिल रहे हैं यहां तक लेती हूँ ट्वेंटी वन क्लियर डेज का होना जरूरी है कुछ समझ में आया है? मैंने क्या किया मेरे को नहीं लग रहा है, आपको समझ में आया है क्वेश्चन पूछती हो मैं आपको दोगे क्या जवाब पक्का चलो देखते हैं फिर लेट्स सी देन जवाब दो पाए दो पाओगे या नहीं दो पाओगे लेट्स सी पहले डिफिकल्ट पूछो या इजी वाह कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है चलो डेट ऑफ डिस्पैच हां मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूं डोंट गो फॉर रिवर्स कैलकुलेशन इस महीने में इतने दिन है इस तारीख को हमने ये किया था गलत हो जाओगे आप डिस्पैच बाय पोस्ट से नवंबर ठीक है एंड डेट ऑफ मीटिंग ट्वेंटी एथ नवंबर है अब आपको मेरे को जवाब देना है दिस इज अ टू मार्क्स का एमसीक्यू चलो पूछ लिया आई से आई ने नहीं नो नहीं, यस नहीं, नहीं, नहीं है अभी जवाब <laughs> हो गया गॉन आर दो डेज ऑफ फाउंडेशन नो यस डोंट नो कान से हाउ मेनी क्लियर डेज नोटिस आप बताओ बेटा सारे सवालों का जवाब मैं ही दे दू अदर लिख लेते हो 19। वर्चुअल किट्स आप लोग भी जवाब दे सकते हो आई जस्ट चेक द चैट बॉक्स 19, 20, 21। सारे जवाब आ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है सुन लो हाउ मेनी क्लियर डेज अगर इस दिन को डिस्पैच किया है इस दिन को मीटिंग है क्लियर डेज मिले कितने हैं अच्छा हाउ मेनी ऑफ यूर आर सेवेंटी वन एनी वन ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी डेज रेज योर फुल हैंड डरो मत ओके ट्वेंटी वन नाइनटीन क्लियर डेज मेजोरिटी ऑफ योर आर सेंगीन एनी वन सेइंग अदर देन दिस है कोई एटीन 17 कुछ ओके थैंक गॉड ये तो नहीं है आंसर सो इट इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड नाइनटीन के बीच में क्या लगता है मेजोरिटी सही है गलत है <laughs> बताओ वर्चुअल किड्स में भी आई थिंक मेजोरिटी इज बिटवीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी का कंफ्यूजन होली दो लोगों को बुलाओ एक एक जो नाइनटीन जवाब दे रहा है एक जो ट्वेंटी दे रहा है चलो आ जाओ <laughs> कौन आ रहा है आपने कल दिया था ना जवाब आ जाओ बेटा आपका जवाब क्या है वो तो बता दो आपका ट्वेंटी है ना आ जाओ दो माइक्स है क्या नाम है बेटा कहां से हो आप बिहार से हूं उपल नाम है आप अभय कर्नाटका से आ जाओ इधर आ जाओ तो so, uh, आप कह रहे हो 19 और आप कह रहे हो 20. 20. एक काम करो फिर uh, इसको uh, ये स्टाइलिश दे दो अगर चाहिए तो नहीं तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे भी देखते इस बच्चे का क्योंकि कुछ बच्चों का ट्वेंटी परसेंट बच्चों का जवाब ट्वेंटी आया है सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज ट्वेंटी के पीछे ओके okay, तो नोटिस डिस्पैच हुआ है आप हाँ, नया पेज ले सकते हो नोटिस डिस्पैच हुआ है सिक्स को ओके सो सिक्स को हम छोड़ेंगे और सेवेंथ एंड 8th will be our uh, two days of it, transmission. transmission. so ninth, ninth से आप count बोलने दो इसको रोको बस ninth se आप count करा चालू करोगे बस फिर आगला लॉर्ड teacher तू ही है नहीं ninth se start करोगे तो ma'am का method follow करेंगे nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty ट्वेंटी oh! सुन ना बेटा एक बात बेटे को पूछने के तू हाँ काउंटर कर बेटा तू कर 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 बेटा बहुत आगे देखो एट तक तो सही है ठीक है दो दिन का टाइम मिल गया नाइन से चालू करा है इन्होंने ठीक है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आप उधर कंटिन्यू करो हमारा okay? हमारा नहीं जाएगा क्योंकि को हमारा क्या हो रहा है? हो रहा रहा है 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 इसलिए ठीक <laughs> आया बेटा आपको ना चलो एक बार जोरदार दोनों भी बच्चों के लिए यार बैठ जाओ बेटा कोई बात नहीं देखो यहाँ पे आपका आंसर गलत हुआ चलेगा वो तीन घंटों में आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए जवाब दिया है ट्वेंटी आराम से सम्भाल अपने आपको <laughs> जिन्होंने बीस अपना जवाब दिया है ट्राई टू अंडरस्टैंड आई नो वेर ऑल वेंट रॉन्ग एंड दैट वॉज डेट ऑफ मीटिंग इज ऑन द ट्वेंटी एथ ऑफ नवंबर जिस दिन हमारी मीटिंग होती है उस दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं दैट इज नॉट काउंटेड इन अ क्लियर डे और इसलिए यहां पर हमारी गिनती अट्ठाईस तक नहीं होगी सिर्फ सत्ताईस तक ही होगी विच गिव द आंसर ऑफ नाइनटीन क्लियर डेज सो मेजोरिटी ऑफ योल वर करेक्ट द आंसर इज नाइनटीन क्लियर डेज और एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछू क्या वन मोर टू मार्क्स का एमसीक्यू yes. मतलब मैं अभी आपको यह पूछूंगी कि इस दिन को कंपनी नोटिस डिस्पैच की है अब आप ही बताओ कि सबसे अर्लीस्ट हम मीटिंग कब ले सकते हैं ऐसा बताओ क्या आपको चलो ठीक है फिर आपको तीस इकतीस कितने दिन है महीने के उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना सो से द डे ऑफ डिस्पैच इज ट्वेंटी सेकेंड जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके एंड दिस नोटिस वॉज डिस्पैच थ्रू पोस्ट एंड नाउ यू आर सपोज टू टेल मी के अर्लीस्ट कौन सा वो दिन होगा मीटिंग कंडक्ट करने का क्या हो रहा है इतने जल्दी जवाब आ गया मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा अर्लीस्ट डेट अच्छा एक दो तीन आंसर्स तो लिखने दो ना ये हेमंत क्या हो रहा है देख ना इसको क्या हो रहा है स्टाइलिस को ये देख एक आंसर आया है मेरे को सोलह सत्रह पंद्रह और अठारह बताइए हमनी ऑफ योरला विथ सिक्सटींथ ओ माई गॉड सेवेंटींथ एटींथ फिफ्टींथ फिफ्टींथ है सो बेसिकली इट्स अ फाइट बिटवीन फिफ्टींथ एंड सिक्सटींथ एक बार देख लेते हैं चलो हमने 22 तारीख को नोटिस डिस्पैच की थी और वो भी बाय पोस्ट 22 तारीख काउंट नहीं होगा 23 और 24 भी काउंट नहीं होगा जून में कितने महीने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं तो हमारी गिनती एक्चुअली चालू होगी फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवेंथ एट, नाइन्थ टेन एलेवेंथ ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन दिस मेक्स इट ट्वेंटी वन डेज सो मीटिंग जो है मैं कंडक्ट कर सकती हूँ अर्लीस्ट ऑन सिक्सटीन अच्छा मैं सिक्सटीन के बाद कर सकती हूँ क्या हमने कहा है वी रिक्वायर एटलीस्ट 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 ट्वेंटी वन डेज उससे ज्यादा अगर है तो फिर तो क्या ही बात है फिर तो टेंशन ही नहीं है बट अगर उससे कम है तो क्या ये माइक्स बंद कर दो ना उससे कम है तो क्या से फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला केस था कौन सा वाला इसमें देर वॉज अ शॉर्टफॉल चाहिए थे ट्वेंटी वन डेज मिले हैं नाइनटीन डेज सो देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ टू डेज चाहिए लीगली कितने बोलो ना ट्वेंटी वन क्लियर डेज यहां पर मिले हैं कितने नाइनटीन क्लियर डेज तो यहां पर देर इज अ शॉर्टफॉल इससे ज्यादा अगर लेंट है पच्चीस तीस पैंतीस फर्क ही नहीं पड़ता अभी ये जो मैंने नोटिस दी थी देखो मैंने इसमें मार्क भी किया था इसलिए कि नोटिस जो है वो डिस्पैच की थी जुलाई और मीटिंग जो है वो मीटिंग यस हुई थी ऑन थर्टी ऑफ ऑगस्ट यहां पे क्या ट्वेंटी वन डेज की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है हुई है तो अगर ज्यादा दिन है तो फिर तो क्या बात है बट फ एट ऑल देर इज अट फॉर इन द नोटिस हम लोग डिरेक्टली देखो ऐसा नहीं होता है खत्म कर देगे मार देगे ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे कुछ यू विल ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट ना तो ऐसा नहीं होता अरे शॉर्टर नोटिस तो दिए ना सिर्फ द लेंथ वॉज अ लिटिल शॉर्ट तो ऐसा नहीं होता है बस मीटिंग ही इनवैलिड शॉर्टर लेंथ से दी हुई नोटिस भी वैलिड होती है कब वैलिड होती है इफ इट इज एन एजीएम एंड यू गॉट द कंसेंट फ्रॉम नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑब्वियसली दोज मेंबर्स हु आर एंटाइटल टू वोट क्योंकि मीटिंग में तो इवेंचुअली वोटिंग ही होता है तो कल जाके सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज भी अगर आप नोटिस डिस्पैच करते हो आप मीटिंग तो अर्लीस्ट ट्वेंटी वन डेज की लेंथ के बाद ही चालू कर सकते हो बट देर इज सम अर्जेंट मैटर यू कैनॉट वोट फॉर यू कैन नॉट वेट फॉर ट्वेंटी वन डेज शॉर्टर लेंथ पे आप मेंबर्स को बुलाना चाहते हो तो शॉर्टर लेंथ की नोटिस भी चलेगी प्रोवाइडेड आपने 95% मेंबर्स आर फाइव टू वोट उनका लिया कंसेंट तो कैसे ले लोगे कंसेंट तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑब्वियसली दैट मीन्स विच इज मोर फास्टर समझ लो आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आप क्या करोगे आप पोर्टल वोटल क्रिएट कर सकते हो और पोर्टल में आप uh, लिख सकते हो ना कि ज इट ओके इफ वी गिव अटर लेंथ ऑफ नोटिस और वहां पर दो टैब्स रहेगा पोल अपन क्रिएट करते हैं है इंस्टा पोल रहता है टेलीग्राम पोल रहता है येस नो और उसके हिसाब से हमें से क्या मिलेगी रिप्लाईज ओके okay. अगर नाइन्टी फाइव परसेंट मेंबर्स ने कह दिया ठीक है चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो शॉर्टर लेंथ पे भी मीटिंग को बुला सकते हो तब आप क्या कर सकते हो शॉर्टर लेंथ पे भी मीटिंग को बुला सकते हो इफ इट इज एन एजीएम इफ इट इज एन एजीएम बट इफ इट इज एन ईजीएम मतलब अदर देन एजीएम और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग इसके थोड़ा सा ध्यान रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है ओके okay? uh, यहां पे इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया अदर्स के केस में अदर्स मतलब क्या आएगा यहां पे ईजीएम आएगा या तो फिर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग आएगा यहां पे पहले हम पूछेंगे इज द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और इज द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल क्या ऐसी भी कंपनी हो सकती है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है हो सकता है गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ऐसा हो सकता है अगर आपकी कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बहुत ईजी है सेम है इसका जैसा है नाइन्टी फाइव परसेंट टोटल वोटिंग पावर जिनके पास है उनका अगर कंसेंट मिल चुका है तो फिर आप शॉर्टर लेंथ पे भी मीटिंग बुला सकते हो ये कौन सी कंपनी है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो जितने लोगों को वोटिंग का राइट right है उसमें से 95% परसेंट या उससे ज्यादा लोगों ने अगर हा बोल दिया तो क्या होगा तो ये जो शॉर्टर लेंथ है ना नोटिस की वो चल जाएगी ये जो शॉर्टर लेंथ है वो चल जाएगी बट अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो अब थोड़ा सा यहां पे देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहां पे कहा गया है देन यू शुड बी मेजोरिटी इन नंबर प्लस प्लस मिनट यू शुड बी मेजोरिटी इन नंबर प्लस यू शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 95 फाइव परसेंट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल दो बातें हैं अगर आप देख रहे हो कौन सी दो बातें हैं मेजोरिटी इन नंबर और ये जो मेजोरिटी नंबर है उनके पास कितना कैपिटल होना चाहिए 95 परसेंट या उससे ज्यादा सपोज आप लोग सब से फॉर एग्जांपल एसपीसी के शेयर होल्डर्स हो ओके तो अब मैं जब काउंट करती हूं योल आर इन नंबर्स से फॉर एग्जांपल योर आर इन नंबर्स 400 इन नंबर्स यूल आर 400 लोगों ने मिलकर हो सकता है कंपनी का होल्ड किया है मे बी दस लाख का कैपिटल जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है दस लाख और ये दस लाख एक पर्सन ने होल्ड नहीं किया है आप सभी ने मिलाकर होल्ड किया है ओके okay? अब मेरे को दो चीजें चाहिए दोनों भी एक साथ फर्स्टली मेजॉरिटी इन नंबर 400 का मेजोरिटी क्या होता है मेजॉरिटी इक्वल इज टू हंड्रेड मैं बोल रही हूं मेजोरिटी टू हंड्रेड एंड वन तो ये जो आप 400 लोग बैठे हो ना उसमें से 201 मतलब टू हंड्रेड एंड वन पर्सन शुड एटलीस्ट से येस टू द शॉर्टर लेंथ टू द शॉर्टर लेंथ एंड प्लस ये जो 201 लोग हैं जिन्होंने हा बोला है शॉर्टर लेंथ के लिए उन लोगों के पास कंपनी का होना चाहिए कम से कम नौ लाख पचास हजार का कैपिटल उनके पास कितना होना चाहिए नौ लाख पचास हजार का कैपिटल दोनों भी कंडीशंस क्या एक साथ पूरा होना जरूरी है yes. तो ही माना जाएगा शॉर्टफॉल है तो भी मीटिंग इज अ वैलिड मीटिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से इन दोनों के पास मिलाकर एसपीसी का छह लाख का कैपिटल है छह लाख दस में से शॉर्टर लेंथ के लिए मैंने पूछा चलेगा क्या सब लोगों ने सब लोगों ने हा बोला सब लोगों ने एक्सेप्ट फॉर दीस टू मतलब इन नंबर कितने लोगों ने हा बोला 398 इन नंबर 400 में से कितने लोगों ने हा बोला 398 बट ये जो 398 लोग हैं उनके पास कंपनी का कैपिटल कितना था सिर्फ और सिर्फ चार लाख बोलो होगा क्या अरे बट 400 में से 398 लोगों ने हाँ बोला <laughs> नहीं होगा ऐसा <laughs> कस ये जो 398 मेजॉरिटी एट मेजोरिटी मिली है दे शुड ऑल्सो बी होल्डिंग मोर देन और एटलीस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द कैपिटल विच दे आर नॉट होल्डिंग बराबर ना तो यहां पे क्योंकि ये पॉइंट नहीं हुआ शॉर्टर लेंथ एक्सेप्टेबल नहीं होगी और कंपनी को 21 डेज का नोटिस ही देना पड़ेगा ये थोड़ा सा लर्निंग और टेक्निकल पॉइंट है जो आपको करना पड़ेगा तो घर पे जाके आप रिवाइज करोगे और हमारा क्यूमुलेटिव रिविजन जो होगा उसी से आपका लर्न हो जाएगा ये इसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है इट्स जस्ट अ लर्निंग एंड टेक्निकल पॉइंट तो जितना आप इसको देखोगे लिखोगे लर्न करोगे उतना आपको रिटेन रहेगा और आप प्रेजेंट कर पाओगे बाकी जहां जहां प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है वहां वहां चीजें तो हम डालते जाएंगे तो बताओ एडिक्यूट लेंथ ऐसे कितना है ट्वेंटी वन क्लियर डेज शॉर्टफॉल अगर हुआ है तो शॉर्टफॉल एक्सेप्टेबल रहेगा रहेगा शॉर्टफॉल एक्सेप्टेबल कब रहेगा अगर ये नोटिस एजीएम की है नोटिस किसकी है EGM. तो आप परमिशन ले लो 95 परसेंट मेंबर्स से उन्होंने हां बोला तो शॉर्टफॉल चलेगा और अगर वो ईजीएम है तो पहले तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या क्या ये कंपनी इज अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इसी पॉइंट में ना आपने फाउंडेशन लेवल में सेक्शन एट में पढ़ा था हा एनपीओ सेक्शन एट उसमें आपने पढ़ा था सेक्शन एट कंपनी अगर है ये yes, उनको 21 डेज की नोटिस ना देते हुए अगर उन लोगों ने 14 डेज की नोटिस दी तो भी मीटिंग विल बी अ वैलिड मीटिंग याद है आपको फाउंडेशन में आपने क्या था 21 क्लियर डेज की नोटिस के बदले सेक्शन एट कंपनीज कैन आल्सो गिव अ 14 डेज नोटिस तो अब ये कहां पे लिखा था एट में नहीं लिखा है ये लिखा गया है अंडर सेक्शन नंबर 101 101 जीरो वन कहता है कि आपकी अगर इक्कीस के बदले चौदह दिनों की भी नोटिस है तो सेक्शन एट कंपनीज के लिए यह बात एक्सेप्टेबल बात है ओके okay? आ जाओ आपके चार्ट पे। खमोन गाइस चार्ट में कहां तक आपने क्या क्या लिखा था नोटिस टू होम सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट डी सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट डी लेंथ ऑफ नोटिस लिखा रही हूं मैं डिक्टेट कर रही हूं लिखो आप मैं यहां पे लिख रही हूं बाजू में लेंथ Of notice. Look, at point one. It is twenty-one clear days. ट्वेंटी वन क्लियर डेज बट ट्वेंटी वन क्लियर डेज में आप लोग जानते हो आप क्या क्या एक्सक्लूड करने वाले हो डेट ऑफ डिस्पैच डेट ऑफ मीटिंग एंड टू डेज फॉर ट्रांसमिशन तो लिखो फॉर कैलकुलेटिंग द सेम For calculating the same, the following shall be excluded. Firstly, is the day of dispatch. Then, is the day of meeting. And then, you have 48 hours for transmission. बट ये पॉइंट कब आप एक्सक्लूड करोगे ओनली इफ द नोटिस हैज बीन पोस्टेड फिर थर्ड पॉइंट आप लिखो इन केस ऑफ अ सेक्शन एट कंपनी इन केस ऑफ अ सेक्शन एट कंपनी उसके बाद आप क्या करने वाले हो इतना लिख लिया आपने इन केस ऑफ सेक्शन एट कंपनी उसके बाद वो जो शॉर्टफॉल का है ना शॉर्टफॉल का ये वाला चार्ट आप लिखो शॉर्टफॉल का इतना लिख लो आप इन केस ऑफ अ शॉर्टफॉल इन द नोटिस हां उसी में नीचे आपको लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ अ शॉर्टफॉल नोटिस विल बी वैलिड इफ केस ऑफ शॉर्टफॉल नोटिस will be valid if first AGM or second others के लिए लिखो ठीक है लिखा क्या आपने तो नोटिस तभी वैलिड होगी एजीएम की इफ कंसेंट फ्रॉम 95% परसेंट ऑफ द मेंबर्स इज टेकन में बस एक लास्ट पॉइंट बचता है और वो है ओमिशन का ओमिशन ये हमारा पहला सी पूरा कंप्लीट हो गया दिस सेक्शन नंबर 101 और वो जो आपने लिखा ना अड्डा अड्डा प्रीवियस पेज पे लिखा है ना आपने ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा है और स्पेशल बिजनेस कौन सा है वो हमारा है सेक्शन 102 सेक्शन नंबर 102 ये जो अभी आपने लिखा है ना लेंथ कितनी होनी चाहिए किसको नोटिस डिस्पैच करते हैं कौन नोटिस डिस्पैच uh, करने का पावर रखता है वो 101 है सेक्शन नंबर 101 जीरो वन फर्स्ट सी हां ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट सी आपको दिख रहा है ना ये प्रॉपरली कन्वे इधर लिख दू क्या सेक्शन नंबर 101 और यहां पर आपने नीचे कुछ शॉर्टफॉल के बारे में लिखा होगा अगर एजीएम है तो क्या और अदर्स है तो क्या है ना तो टेक्निकली हमारा एक ही पॉइंट बचता है एंड दैट इज ओमिशन बस एक सेंटेंस का ये पॉइंट है मग झालो ओमिशन मतलब समझते है आपको भूल जाना गलती से मिस्टेक हो गई और किसी मेंबर को आप नोटिस देना भूल गए सुन रहे हो क्या आप सुन रहे हो क्या क्या हुआ ऐसे तो हमने कहा है कि मीटिंग की नोटिस जानी चाहिए टू ईच एंड एवरी मेंबर बट अगर ऐसा हो गया देखो हजारों लाखों मेंबर्स रहते हैं आप कभी किसी को नोटिस देना भूल गए हो सकता है तो ऐसे केस में कभी ऐसा हो गया कि बेसिकली आपसे गलती से मिस्टेक हो गई एक्सीडेंटल ओमिशन था तो लॉ मेकर कहते हैं ऐसे केस में फिर नोटिस जो है वो वैलिड ही रहेगी और प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी आपने मीटिंग में कंडक्ट किया है दैट विल नॉट बी इनवैलिड दैट विल नॉट बी इनवैलिड बट लॉ मेकर कहते हैं अगर आपने जान के जान बूझ के मतलब डेलीब्रेटली किसी को नोटिस नहीं दी है देर वॉज अ डेलीब्रिट ओमिशन तो लॉ मेकर कहते हैं पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है विल बी इनवैलिड अगर आपने जानबूझ के किसी भी पर्सन को नोटिस अगर नहीं दी है देर वॉज अ डेलेबरेट ओमिशन देन द प्रोसीडिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड बट अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था एक्सीडेंटल मतलब गलती से मिस्टेक तो फिर हम कहेंगे प्रोसीडिंग्स आर नॉट invalid शब्दों को देखो वैलिड नहीं लिखा है क्या लिखा है नॉट इनवैलिड हाँ हां बोलो वो पूछ रहा है मैम पता कैसे चलेगा देखो मैं आपको बताती हूं अपन जो लॉ पढ़ रहे हैं ना सी दैट इज मोर ऑफ एनालिटिकल पार्ट नॉट ऑफ द प्रूविंग पार्ट ऐसे तो भारत देश इतना बड़ा देश है उसमें इतने राज्य उसमें हर राज्य में इतने शहर इन शहरों में न जाने कितनी सारी गलियां और इन गलियों में न जाने कितनी सारी कंपनियां उसमें कोई एक कंपनी ने इतने लाखों करोड़ों मेंबर में से किसी को नोटिस दी है जान के नहीं दी है या गलती से नहीं दी है वो किसी को भी पता नहीं चलने वाला है इट्स इंपॉसिबल बट नाउ हाउ यू प्रूव थिंग्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ उसी के हिसाब से आपके डिसीजन होते हैं सो बेसिकली हाउ गुड योर लॉयर इज विल डिसाइड कि वो जानबूझ के था या वो गलती से हुआ बट वही मैंने कहा एज अ सी ए स्टूडेंट यू आर ओनली सपोज टू लुक इन टू द एनालिटिकल पार्ट तो अगर एग्जामिनर ने आपको सवाल में पूछ लिया ना एक्सीडेंटल ओमिशन था आपको एग्जामिनर के सवाल के आगे देना होगा जवाब उसके सवाल के आगे सवाल नहीं करना है कि हे एग्जामिनर पहले तू बता प्रूफ कैसे करेगा एक्सीडेंटल था या डिलिवरिट मार्क्स चाहिए तो जैसे उसने बोला है उसके हिसाब से आप जवाब दोगे बिकॉज वेन एवर यू लुक एट द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो एनी प्रीवियस पेपर एनी मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन वी गिव द फैक्ट्स आपने फाउंडेशन में किया था लॉ के डायरेक्ट एंट्री है अच्छा ठीक है तो आप जब पेपर देखोगे कोई भी पेपर रैंडमली यू विल अंडरस्टैंड इन द गिवन क्वेश्चन द फैक्ट्स आर ऑलरेडी गिवन एज ए सीए स्टूडेंट आपको सिर्फ फैक्ट को एनालाइज करके कंक्लूजन देना है तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी लिख देता है कि ये ओमिशन एक्सीडेंटल था याट था आपको सिर्फ क्या करना है उसको याद करके एनालाइज करना है और हमारे क्वेश्चन का जवाब देना है आप कहोगे अगर एग्जामिनर ये ओमिशन डेलिब्रेट था ना एक भी मेम्बर क्यों ना हो जान बूझ के अगर आपने नोटिस नहीं दिए हम कहोगे पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड But अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो हम कहेंगे इट इज नॉट इनवैलिड हम क्या कहेंगे नॉट इनवैलिड आई बात समझ में तो सेक्शन नंबर 101 ये पूरी बात कहता है और 102 बात करता है अबाउट ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस जो बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल है ओके okay, तो व्हाट इज ऑर्डिनरी अड्डा बोलो तो अड्डा क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर डेक्लेन ऑफ डेविड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना ये सेक्शन कैसे लिखा है एक्ट में आज कुछ नया नहीं पड़ेगा बस इतना ही नोट्स में स्क्रीन पे ही ओपन करती हूं आई थिंक कल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे एयर ड्रॉप ये चैप्टर सेवन के नोट्स है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है क्या अवेलेबल यूट्यूब के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फेस टू फेस किड्स बाय टुमारो आई थिंक यू ऑल विल गेट द बुक्स सो यू नीड नॉट वरी वर्चुअल किड्स आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले सकते हैं अगर आप चाहो तो नहीं तो बुक्स डिस्पैच होना चालू हो चुकी है कल से बेटा कल से मिलना चालू हो जाएगी आपको सीधी सीज सेक्शन नंबर वन जीरो वन कमॉन गाइज चेक इट आउट कल तक आपके फिर हाईलाइटर्स वगैरह आपके पास रखना रेडी ठीक है ये देखो सेक्शन वन जीरो वन कहता है हर कंपनी जब अपनी मीटिंग की नोटिस देती है द नोटिस शुड बी एट लीस्ट ऑफ ट्वेंटी वन क्लियर डेज दिख रहा है आपको बट अगर ये सेक्शन एट कंपनी है ट्वेंटी वन के बदले वर्ड्स 14 शल बी सब्सिट्यूटेड अरे हा या ना नोटिस में आप क्या क्या लिखते हो कंटेंट क्या है देखो डे प्लेस आर एंड द बिजनेस इज दैट यू विल ट्रांजेक्ट उसी को हम कहते हैं एज द एजेंडा क्या कहते हैं नोटिस किसको किसको मिलनी चाहिए ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी किसी की डेथ हो गई तो किसको जाएगा लीगल रिप्रेजेंट और इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल अजाइनी साथ साथ में ऑडिटर और डायरेक्टर को भी क्या नोटिस जाएगी अरे हाया ना जब हम 21 डेज देख रहे हैं 21 डेज में क्या क्या एक्सक्लूड होगा बोलो तो डेट ऑफ डिस्पैच सो द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व एंड ऑल्सो द डेट ऑफ मीटिंग आर एक्सक्लूडेड वाइल सेंडिंग द नोटिस और अगर आपने पोस्ट किया है तो 48 एट आवर्स इवन फॉर द ट्रांसमिशन ये भी एक्सक्लूड किया जाएगा अच्छा अगर आप चाहो क्या आप नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेज सकते हो अरे बोलो ना इलेक्ट्रॉनिक yeah. मीन से अगर भेजा तो वो टू डेज ऑफ ट्रांसमिशन एक्सक्लूड नहीं होगे, क्योंकि यहां आपने क्लिक किया और वहां नोटिस आ गया शॉर्टर लेंथ का बताओ शॉर्टर लेंथ शॉर्टर लेंथ अगर है तो बताओ शॉर्टर है तो क्या होगा बताओ अगर एजीएम है कितने लोगों का कंसर्न लोगे 95% फाइव परसेंट ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल टू वोट और अगर अदर मीटिंग है अदर देन एजीएम तब क्या होगा आप पूछोगे सवाल क्या कंपनी के पास शेयर कैपिटल है या कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ़ परसेंट ऑफ द टू वोट और अगर शेयर कैपिटल है तो मेरे को दो चीजें चाहिए मेजोरिटी इन नंबर दोबर्स होल्डिंग नाइनटी होल्डिंग परसेंट ऑफ द शेयर्स। देखो एक एग्जाम्पल भी है जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ही दिया है एक बार आप ये सिर्फ थ्रू कर लो इलास्ट्रेशन फाइव देखो इलास्ट्रेशन फाइव आएगा इसका जवाब क्यों नहीं होगा 95 परसेंट कम से कम कंसेंट चाहिए जो यहां पर नहीं मिलेगा यहां पे सिर्फ 85 परसेंट मिला है ना 80 एसेंट लोगों का ही कंसेंट मिला है तो यहां पर ये यह जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और ये जो नोटिस है आपको 21 डेज की ही देनी होगी ये सुनो गाइस और फिर ऑथोरिटी टू कॉल बताओ आप ही मुझे किसके पास ऑथोरिटी है मीटिंग बुलाने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव द पावर टू कॉल फॉर अ जनरल मीटिंग बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या आप ये नोटिस भेजने का पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हो अरे हाँ या ना तब ये जो कोई और है वो मीटिंग बुला सकता है ये सोनो गाइस लेट सी इफ यू कैन डू द क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करते हैं हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है यहां पर भी किसी का डाउट था ना हो गया ना क्लियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है नॉट ऑल बट मेजोरिटी वी वॉन्ट द कंसेंट फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ठीक है हाँ, बेटा हाँ. संडे <laughs> भी पब्लिक हॉलीडे भी सब होगा ना क्योंकि ट्वेंटी वन डेज इज सोचने के लिए तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि संडे के दिन हम नहीं सोच सकते ट्वेंटी वन डेज इज ओनली फॉर यू टू थिंक

कल जाके तुम किसी को दोगे पावर बट जिसको नहीं पता है अभी नोटिस वोटिस बनाना तो यू विल बी बैक टू तो स्क्वेयर वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजोरिटी डायरेक्टर्स को मिलता है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको हमें पावर डेलीगेट करना है एक अकेला डायरेक्टर नहीं कर सकता है डेलीगेट हाँ चले वैसा चले अच्छा इसका सवाल है मैम नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल टू वोट तो क्या ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जिनको वोटिंग का पावर नहीं मिलता है They, uh, दो केसेस होते हैं जहां पे मेंबर इज नॉट एंटाइटल टू वोट वन देर आर कॉल्स इन एरियस एंड सेकंड द कंपनी हैज एक्सरसाइज लीन ऑन द शेयर्स तो आप आगे पढ़ोगे सेक्शन नंबर वन इसी चैप्टर में ओके okay, जहां पे ये दो केसेस में अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल टू वोट तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ ना? अगर नहीं, तो नहीं। पब्लिक कंपनी हो तो ना? फिर तीन है। और, ये है और प्राइवेट कंपनी में भी दो और मैक्सिमम पंद्रह तो अगर नहीं है और आप भी बताओ मेजोरिटी मिला क्या नहीं मिला तो फिर नहीं होगा आप डेलीगेट किसी और को करो हां अगर ए के लिए दोनों ने हाँ नहीं बोला है तो बी को डेलीगेट करो इसमें नहीं खेलते बैठती है बट कंपनीज देर आर बिगर इश्यूज दैट द डायरेक्टर्स हैव टू डिसाइड और मेजॉरिटी नंबर भी होना चाहिए जो वोट करते हैं उनसे ही हमारा लेना देना है जो हाँ भी नहीं बोल रहा है और ना भी नहीं बोल रहा है उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं ये देखो क्वेश्चन नंबर एट कमॉन गाइज दिस इज का क्वेश्चन मे नाइनटीन में पूछा है डिसंबर ट्वेंटी में पूछा है आईसीआई की मॉड्यूल के पीछे भी ये सवाल है और आरटीपी नवंबर 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है देखो क्या हुआ यहां पे माधुरी लिमिटेड इश्यूड नोटिस

Some members of the company allege that the uh, company has not complied with the provisions of the Companies Act with regard to the period of the notice. And therefore, now you are supposed to tell whether the company ka meeting has been validly called. Is there a shortfall? If yes, हाउ मेनी डेज का शॉर्टफॉल एंड कैन द डीले डीले मतलब द शॉर्ट फॉल इन द नोटिस बी कंडोन कंडोन का मतलब होता है क्या उसको माफ किया जा सकता है टू फर्गिव इंग्लिस कंडोन करना मतलब क्या माफी मांगी जा सकती है चलो एक एक करके सवालों का जवाब देते हैं पहली बात तो आप बताओ एक सौ एक के हिसाब से एक सौ एक के हिसाब से कितनी लेंथ होनी चाहिए ट्वेंटी वन क्लियर डेज अब हम देखते हैं इस केस में कितनी लेंथ मिली है नाइनटीन डेज कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया और किसी को क्या कुछ जवाब देना हमने ट्वेंटी अच्छा मतलब लोग कैलकुलेट कर रहे हो करो आप लोग भी कैलकुलेट ऐसे बार्स बनाओ करो 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 ऐसे जवाब नहीं आने वाला है क्वेश्चन को देखने से 19 डेज राधा कह रही है निधिश नाइनटीन डेज मिस्टर शेख ट्वेंटी डेज भूमि नाइनटीन 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 ट्वेंटी बहुत सारे जवाब एक साथ आ गए आई थिंक इट्स अ फाइट बिटवीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ओनली क्या लगता है आप लोगों को नाइनटीन क्लियर डेज कैसे नाइनटीन एटीन ओके आई गॉट वन मो आंसर एटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तीन जवाब आए मेरे पास कितने लोग एटीन कह रहे हैं एटीन एटीन कितने लोग कह रहे हैं एटीन फिर उसके बाद ट्वेंटी नाइनटीन नाइनटीन ओके एंड ट्वेंटी ट्वेंटी जवाब आया था मुझे आप लोगों में से ट्वेंटी और ऑनलाइन भी ट्वेंटी आया है ओके सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज आई थिंक नाइनटीन क्लियर डेज इज द आंसर कैसे हम लोग देखते हैं देखो पहली बात तो हमने कहा एक सौ एक के हिसाब से आपकी नोटिस की लेंथ होनी चाहिए ट्वेंटी क्लियर डेज और uh, यही 21 डेज में ओके यू आर एक्सक्लूडिंग 48 एट आवर्स फॉर ट्रांसमिशन डे ऑफ सेंडिंग एंड द डेट ऑफ मीटिंग उसके हिसाब से आपको 19 डेज मिले हैं कैसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं देखो आपने नोटिस कब डिस्पैच की है और आपने डिस्पैच किया है थ्रू पोस्ट तो क्या सेवनटीन और एटीन भी चलेगा तो आपकी गिनती कहां से चालू होगी अक्टूबर में थर्टी वन डेज होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर नवंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ऑफ नवंबर टेन प्लस नाइन नाइनटीन सेवेंथ नवंबर काउंट क्यों नहीं होगा इज अ डेट ऑफ द मीटिंग सो बेसिकली वी हैव गॉट नाइनटीन क्लियर डेज क्या शॉर्टफॉल है बाय हाउ मेनी डेज वन हु वन माइनस नाइनटीन टू डेज और ये एजीएम है एजीएम तो क्या शॉर्टर लेंथ कंडोन हो सकता है कब 95 फाइव परसेंट मेंबर्स हु आर एंटाइटल टू वोट अगर उन्होंने हा बोल दिया तो ये शॉर्टर लेंथ भी कंडोन हो जाएगा इट्स थ्री मार्क्स क्वेश्चन विच वॉज आटेम्प्ट आरटीपी एंड इज ऑल्सो गिवेन इन द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एक सौ एक के ऊपर है क्या आप जवाब दे पा रहे हो yes. तो बताओ मुझे नोटिस की लेंथ क्या है कमॉन गाइज ट्वेंटी वन क्लियर डेज चार दिन एक्सक्लूडेड है कौन से कौन से कमॉन डेट ऑफ डिस्पैच डेट ऑफ मीटिंग एंड टू डेज फॉर ट्रांसमिशन अगर पोस्ट किया है तो यही नोटिस किसको किसको भेजोगे ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो इंस्टॉलमेंट हो गया है तो साथ ही साथ ऑडिटर साथ ही साथ डायरेक्टर नोटिस देने की ऑथोरिटी किसके पास होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या सिंगल डायरेक्टर नोटिस दे सकता है और अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं नोटिस में क्या क्या लिखते हो डे प्लेस आर एजेंडा वापस से प्लेस टाइम एजेंडा बताओ मुझे ये जो नोटिस है आपने अगर जान बूझ के किसी को नहीं भेजी तो मीटिंग का क्या हालत होगा इनवैलिड बट अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था नॉट इन वैलिट शब्दों का इस्तेमाल करोगे क्या लिखोगे नॉट इन वैल हर एजीएम में अड्डा तो होता ही है अड्डा मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है अड्डा चार पॉइंट्स बताओ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट डेक्लेन ऑफ डेविड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेट अड्डा के अलावा अगर कुछ हो रहा है उसको हम कहते हैं स्पेशल बिजनेस स्पेशल बिजनेस हर साल होता है या कभी तो भी होता है इसको क्या कहते हैं स्पेशल बिजनेस और जो स्पेशल नहीं है वो क्या है ऑर्डनर और अड्डा मतलब कौन सा है ऑर्डर तो क्या अड्डा हर एजीएम में होता ही है दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर वन जीरो टू तो वन जीरो टू अड्डा ऑर्डनरी एंड स्पेशल बिजनेस और बाकी सारी बातें वॉज गिवन अंडर सेक्शन नंबर वन तो ऐसे करके हमारे दो सेक्शन जो है वो हो चुके तो आज के लिए बस इतना ही कल मिलते हैं चलो एक बार जोरदार ताले आप सब लोगों सेशन अमेजिंग क्या जवाब दिया है क्या आपको ये आईसीआई का सवाल भी देने आया जवाब इसका yes. तो कल जाके अगर कल आपकी एग्जाम ले ली और ये सवाल पूछा क्या आप पोजीशन में हो लिखने के वेरी गुड सो प्राउड ऑफ यू चलो थैंक यू सो मच सी यू टुमारो बाय 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 वो चूल किड्स वो डायरेक्टर जो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इज बिजनेस हाँ बेटा बोलना यस कैसे ले गए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मे बी टेलीग्राम इज फास्टर तो टेलीग्राम से आप कंसेंट ले लो और यू क्रिएट अ पोल इन अ पोर्टल तो बहुत सारे तरीके हैं Uh, uh, उसके ऊपर जो सेंटेंस सेक्शन में लिखा है ना वो के, ये कहता है कि अगर आपने डेलिबरेटली किसी को नोटिस नहीं दी तो प्रोसीडिंग्स विल बी इनवैलिड उसी के कंटिन्यूएशन में फिर हमने लिख लिया अगर uh, हाँ एक्सीडेंटल है तो नॉट इनवैलिड जैसे हमने कहा था ना कि uh, uh, हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 देखा था हमने देखा था क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड बाई पर्सन डिसक्वालिफाइड क्यों ऐसा क्योंकि हमने डिस्कालीफिकेशन को एक्सप्लेन किया था तो उसी के कंटिन्यूटी में वी कंटिन्यू इन द सेम लैंग्वेज इसीलिए ऐसी लैंग्वेज है कौन सा वाला आपने नहीं लिखा तब ये लो इसका फोटो ले लो आप और लिख लो आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना था क्या वो ट्वेंटी वन डेज का अभी आप ये यूट्यूब से ले लो यार इसका ले लो आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं ये भी देख लो आप आ जाओ ना हाँ हाँ बाय बाय वर्चुअल किड्स ये भी ले ले बेटा